गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मंडे मॉर्निंग है, बहुत ही बुरी मॉर्निंग जो है मेरी और हुमायूं की गुजर रही है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मॉर्निंग भी आप लोगों से मुलाकात करके अच्छी हो जाएगी। इसी वजह से इसी स्पिरिट के साथ यहाँ पे आते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि जब वीकेंड उस तरह से नहीं गुजरता जिस तरह से आपने प्लान किया होता है, या उसमें आप रेस्ट नहीं करते हो, बहुत हेक्टिक रूटीन आपकी रहती है वीकेंड पे भी, तो फिर जब मंडे आता है तो आपको और ज़्यादा रोना आ रहा होता है। तो मुझे आज सुबह सुबह वो रोना आ रहा था, क्योंकि मैंने वीकेंड पे बिल्कुल भी आराम नहीं किया उस तरह से। तो मुझे था कि अब दोबारा से वीक शुरू हो गया है और वही उसी रूटीन में ज़ाहिर है हम दोबारा से वापस आ गए हैं। तो ना मेरी नींद पूरी हुई है, ना मैंने आराम किया हुआ है, और ना जिन कामों का मैंने सोचा था कि इस वीकेंड में मैंने उन पर टिक लगा लेने, वो मैंने किए हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मेरी दुखी दास्तान सुनने के बाद आप लोग मेरा नाम भी सुन लें। मेरा नाम है जी हलीमा जुल्फिकार, और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। मेरे का एंडी दुखी की दास्तान के लग गई, वो तो भूल ही गई, मैं भूल गई कि मेरा नाम भी था। लेडीज जेंटलमैन, आपको ये मंडे की मॉर्निंग बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, बुरी तो इस सेंस में मैं शायद नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अजीब थी, बहुत वियर्ड थी मेरी और हलीमा की, इस वजह से क्योंकि मुझे कल परसों जो है वो ने सीज़िया लगा और वो मुझे रिएक्ट कर गया, और वो ऐसा रिएक्ट किया कि अभी तक मेरी हालत दुरुस्त नहीं हुई। एंड आई होप मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में आज जो है वो शो करूँ। मुझे नीडल फोबिया है, सब आप लोग सब जानते हैं, शायद अब तो सबको पता चल गया है कि मुझे नीडल फोबिया है, मुझे सुई से बड़ा डर लगता है। तो मैंने एनेस्थीसिया लगवाया, वैसे मैं जिंदगी का पहला इंसान है जिसने प्रोसेस के लिए एनेस्थीसिया लगवाया लेकिन प्रोसेस नहीं करवाया, कि मुझे डर लगा कि आगे और इंजेक्शन लगेगी, तो मैंने कहा मैंने नहीं लगवाना, और मैं जो स्ट्रेचर है उससे उठ के भाग गया, तो मतलब भाग गया और डॉक्टर मुझे बुलाता रह गया लेकिन मैं चला गया। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना अपने प्रोसीजर की तरफ बिल्कुल, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है, चीज़ है, तो आपने पूरा उसको जरूर प्रोसीजर करवाना है। सबसे पहले मंडे की सबसे अच्छी बात जो आज हम अक्सर एक बात आपके साथ शेयर करते हैं, वो बात आज की सिर्फ ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। हीट वेव जो है वो आने के बहुत खदशात हैं, इस्लामाबाद और पिंडी में। कराची वालों से कहूंगा कि आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि बिपर जॉय जो कि वो साइक्लोन है उसके बहुत अंदेशे 60% हो गए कि हो सकता है वो पाकिस्तान को जरूर टकराए, वो कराची को जरूर टकराएगा। तो जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे कश्तीबाजों ने जो है वो अपनी लंगर अंदाजी शुरू कर दी है, अपनी कश्तियाँ साइड पे लगा ली हैं और वहाँ पर वो सफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक कराची से है तो एक तो अपने आप को हाइड्रेट भी रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ आप ना कि सिर्फ ये बल्कि आप जो है ऊपर ठंडी पट्टियां भी रखें, और ठंडी पट्टियां भी रखें, क्योंकि मौसम इस कहते हैं बाहर से आओ ना ठंडी पट्टियां रखो तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये बात और एकदम से चेंज हो रहा है ना, आप बाहर बहुत ज्यादा हीटेड टेम्परेचर में होते हैं, फिर आप अंदर आते हैं कमरे में तो किसी ने बहुत ज्यादा तेज एसी चलाया होता है, तो वो टेम्परेचर जो चेंज है ना उसकी वजह से भी लोगों की बहुत तबीयत खराब होती है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह से बाहर निकलने के लिए भी थोड़ा टाइम ले जहां बहुत तेज एसी चल रहा हो, और किसी ऐसी जगह कमरे के अंदर जाने से पहले भी किसी को कॉरिडोर में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, ऐसा ना आपको बहुत पसीने बह रहे हो और आप एकदम से एसी के नीचे जाके। पहली खबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहली खबर है जनाब, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैंने इससे पहले कि वो इनिशिएटिव बताऊं हलीमा, एक बड़े मजे की बात है, वो बात ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, ये आपको पता है कि अभी निगरान हुकूमत है, अब ये पहली हुकूमत में निगरान देखी जो इतने इनिशिएटिव्स दे रही है, मुझे लगता है उन्होंने काफी देर तक जो है वो निगरान हुकूमत में रहना है, और पहली बार मैंने देखा कि वो बार बहुत सारी इनिशिएटिव जो है वो निगरान हुकूमत ले रही है। तो जनाब आपको ये पता है चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी की डायरेक्शन पर ये कहा जा रहा है कि ये लिया जाएगा इनिशिएटिव के जितने भी 9th ग्रेड के जो एग्जाम्स है वो तभी आप दे सकते हैं तब जब की मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगी जितने भी बच्चे हैं। ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है कि बच्चों की मेडिकल एग्जामिनेशन 9th क्लास के एग्जामिनेशन एग्जाम देने से पहले होना जरूरी है। इसमें थैलेसीमिया के भी जो पेशेंट्स हैं वो भी जो है वो निकल कर आएंगे। और आपको ये भी बताऊं कि मोहसिन नकवी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, डॉक्टर अकरम जावेद हैं जो कि हेल्थ मिनिस्टर है एट द मोमेंट निगरान, वो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने कहा है कि हम मिलकर इंशाल्लाह ताला ये ऐसा एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें 9th एग्जामिनेशन से पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है, जिसमें खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है तो वो बाहर सामने आ जाएगी। बहुत सारे ये कहते हैं ये उस वक्त उन्होंने किया जब थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो उनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, तादाद है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इस वजह से इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ताकि खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी जैसे पोलियो भी हो सकता है तो वो उसका जो है पहले जो है उसका वो इलाज हो जाए। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और
और यकीनन मेरे ख्याल में 9th नहीं बल्कि ये तो मेडिकल चेकअप बहुत पहले से होने चाहिए, 5th ग्रेड से भी होने चाहिए, 7th ग्रेड से भी होने चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते और कैंप्स लगने चाहिए स्कूल में, ताकि स्कूल में आए वो कैंप्स लगाएं और जितने भी बच्चे हैं उनका जो मेडिकल चेकअप हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर किसी बीमारी से दो चार है तो उसका इलाज बर वक्त हो सके। इंशाल्लाह जी ऐसा ही होगा, जब एक दफ़ा स्क्रीनिंग शुरू हो गई है तो इसको एक्सपैंड भी किया जाएगा, लेकिन ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि स्क्रीनिंग शुरू हो गई है ताकि एटलीस्ट बीमारी की तशखीस तो हो सके, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शादियों के बाद ये पता लगता है कि वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार थे या कुछ इस किस्म का, तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव की जहाँ तक बात की जा रही है तो जिस तरह हुमायूं ने कहा कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, उसी तरह से जो अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब की बात मैं कर रही हूँ, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया है यूथ के हवाले से, इनिशिएटिव के लिए वो बहुत ज़्यादा माने जाने जाते हैं, लैपटॉप्स का इनिशिएटिव हो और बहुत सारी चीज़ों का इनिशिएटिव हो, तो उसी तरह का इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जो बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं अगर उनके पास कोई माइंड कैचिंग आई कैचिंग आइडिया मौजूद है तो उसके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे वो बच्चे आए अपना आइडिया पिच करें और जिसका आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसको जी 2 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे हुकूमत की जानिब से, उसको फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी ताकि उस आइडिया को फुलफ़िल किया जा सके, क्योंकि पहला स्टेज होता है आइडिया लेके आना, आइडिया अगर अच्छा आ गया और हुकूमत को पसंद आ गया उस प्रोग्राम के जरिए आपको 2 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से, और उसके बाद जो है आपको 6 महीने का वक्त भी दिया जाएगा। होता यह है कि आइडिया अच्छा आ जाता है लेकिन फिर उस पर आगे जाके वर्किंग नहीं की जाती और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आइडिया तो हमारे पास था लेकिन वर्किंग कैसे की जाए, तो जी गवर्नमेंट आपको 6 महीने का वक्त देगी, 6 महीने के अंदर अंदर आपने क्या करना है, आपने उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए जो सारा प्रोसीजर वो खत्म करना है, उनको बताना है कि आपके पास ये आइडिया था, फॉर सपोज आपने जी पोल्ट्री के बिजनेस में जाना है या कुछ इस तरह कुछ इन्वेंट करना है, उसके लिए कोई मशीन इन्वेंट करनी है, तो पहले आप आइडिया देंगे, फिर आपको 6 महीने का वक्त मिलेगा, उसमें आप वो मशीन तैयार कर लेंगे वो उन पैसों की मदद से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देगी, और उसके बाद जब वो मशीन तैयार हो जाएगी तब उस मशीन को लॉन्च करने में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपकी हेल्प करेगी। ये सारा जब 13, 14 और 15 जून को नस्ट इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ हो रही है, तो अगर आपके पास कोई इस किस्म का आइडिया है जो आप चाहते हैं कि उस पर पाकिस्तान में वर्किंग हो, तो अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जब गवर्नमेंट आपको हेल्प करने के लिए तैयार है तो फिर आप क्यों पीछे रह रहे, जाएं और इस पर पार्टिसिपेट करें। जी गुड इनिशिएटिव, और अगली खबर की तरफ जाते हैं जनाब, आपको बताएं कि जैसे पाकिस्तान एक खूबसूरत तरीन मुल्क है और इसकी जो वजाहत है और इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो बार बार हमारे नदन इलाके जो हैं वो आपको देते हैं, ना कि नदन इलाके बल्कि आप बलूचिस्तान चले जाएं, सिंध चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ आपको पाकिस्तान की खूबसूरती जो है वो नज़र आएगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान की टूरिज़म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन है जिसके एम डी हैं आफ्ताबुर रहमान साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि 10 पाकिस्तान ऐसे विलेजेस हैं जिनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनको टूरिज्म स्पॉट्स बनाया जाएगा। ये जनाब इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, जो बिगर ट्री है वो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म जो उनकी कमेटी है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सारे जितने ममालिक हैं वो अपने 10 ऐसे विलेजेस को जो है वो आइडियल बनाएं, मॉडल बनाएं और उनको उस मॉडल के तरीके से बाकी जो जितने भी विलेजेस हैं उनको भी आगे फर्दर इसी तरह इसी मॉडल पर लाया जाएगा, जिसका टूरिज्म हट्स बनाया जाएगा, टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा और बहुत सारे लोग वहां पर तफरी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के 10 विलेजेस कौन से होंगे ये डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया, लेकिन ऑफ कोर्स इस पे काम जो है वो जारी है और पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, और इससे बल्कि फर्क ये पड़ेगा कि जितने भी गाँव में रहने वाले अफराद हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, जो जितने भी वो 10 विलेजेस हैं और उसके बाद बाकी विलेजेस जो इसमें एक्सटेंड होते जाएंगे उनको रोजगार मिलेगा, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व रह सकेगी, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनको ज्यादा मनाने का मौका मिलेगा, जितने भी कल्चर चित्राल में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं वो आज भी होते हैं, तो बाकी जो गांव हैं उनके भी फेस्टिवल होते हैं जो कि आप मध्यम पड़ गए उसको फ़रोग मिलेगा। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड वो कौन से 10 विलेजेस होंगे ये हम आपको तब बताएंगे जब हमें पता चलेगा। ज़रूर जी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और एक बच्ची से आपको मिलवाते हैं जिसे वीडियो गेम्स खेलने का जो है बहुत ज़्यादा शौक है। बच्चों को वैसे भी वीडियो गेम्स खेलने का शौक होता है, कुछ बड़े भी इस किस्म के होते हैं कि जब वो बड़े हो जाते हैं तब तक वो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। वीडियो गेम खेलना कोई बुरी
बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी अम्मी के पैसे चुरा के वीडियो गेम खेलना बहुत बुरी बात है। तो जी, चाइना की एक बच्ची है, 13 साल इनकी उम्र है। इनके अकाउंट में कोई 4 लाख रुपए इनके पेरेंट्स ने जमा कराए हुए थे इनकी सेफ्टी के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता इनके अकाउंट में जो है वो पैसे जमा कराते रहते थे। बच्ची जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड लॉगिन करके एक गेम खेलती थी, जिसकी वजह से पहले तो उनके अकाउंट से $4 लाख, ये कोई रुपए नहीं है, $4 लाख जो है वो एक एक करके वो खर्च करती रही उस वीडियो गेम पे, और वो सारे के सारे खर्च हो गए। वो बच्ची जो है वो इतनी क्रेज़ी हो चुकी थी खेलने के लिए कि उनको जब ये पता लगा कि अब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं और अब मैं इस गेम को नहीं खेल सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी अम्मी का क्रेडिट कार्ड लेके आई और उसमें से उन्होंने पैसे चोरी करना शुरू कर दिए। और अपनी अम्मी के क्रेडिट कार्ड में से भी उन्होंने तकरीबन $64,000 चोरी कर लिए। और जब वो चोरी कर लिए तो उनकी अम्मी को पता लगा कि ये मेरे क्रेडिट कार्ड से तो पैसे जो है वो गायब हो रहे हैं, और एक महीने के अंदर अंदर $64,000 मेरे क्रेडिट कार्ड से कहाँ गए। तब उन्होंने इनिशिएट किया इस बात को कि जी मैं पता करूँ कि मेरे पैसे जो है वो कहाँ जा रहे हैं। बैंक कॉल करके पूछा होगा, बहुत सारी चीज़ें की होंगी। तब उन्हें पता लगा कि मेरी बेटी जो है वो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही है, और यूज़ भी किस चीज़ के लिए कर रही है, वीडियो गेम खेलने के लिए। और जब उन्हें ये पता लगा तो उन्हें याद आया कि इसका अकाउंट तो पहले से ही मौजूद था और उसके अंदर अच्छी खासी रकम थी। तो जब उन्होंने कि मेरी बेटी के अकाउंट को मैं खोल के देखती हूँ कि उसमें अब कितनी रकम रह गई है, तो उसमें जो रकम रह गई थी वो थी 0। बेटी सारे पैसे खर्च कर चुकी थी और तकरीबन 4,49,500 जो है वो 4 महीने में ये बच्ची एक वीडियो गेम पे खर्च कर चुकी है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये बच्ची किस हाल में होगी, क्योंकि इसको अच्छे हाल में तो नहीं होना चाहिए। जितने पैसे इससे अपने माँ बाप के बेचारों के खर्च कर दिए, वो भी एक वीडियो गेम में, अब पता नहीं अम्मी ने क्या उनका हाल किया होगा। हमारी वैसे आपने कभी किया ऐसे अम्मी के पैसे लेके कोई गेम खरीदी हो या कुछ इस तरह का किया हो? हलीमा, मैंने वो या मुझे याद है PTCL जब फ़ोन हुआ करते थे तो एक नंबर हुआ करता था जिसपे आप कॉल करके स्टोरी सुन सकते थे, आपको याद है वो? yes, एक नंबर, हाँ yes, वो मेरा yes. हमारे जब बिल आया ना तो अम्मी ने आखिर बिल देखे, कहते वो जुमला नहीं कह सकता, एक दो फोन करना रहे तो किसका नंबर है, मतलब वो जो उन्होंने yes. कहा वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो इतनी लंबी लिस्ट है। मैं पूरा पूरा दिन जब मैं वापस आता स्कूल से तो मैं उस पर स्टोरी सुनता होता था, फिर अच्छी बात सुनता था, फिटनेस के हवाले से बातें सुनता था। हुआ तो कोई फर्क नहीं मुझे फिटनेस की बातें सुन के तब भी, लेकिन मैंने सुनी काफ़ी है। अगली खबर की तरफ जाएंगे जनाब। अगली खबर आपको एक्सक्यूज मी जी, अगली खबर है जी वायरलेस हेडफोन्स के हवाले से। और अक्सर हम लोग जो है वो हेडफोन्स लगाते हैं और हम लगाए रखते हैं और हम भूल जाते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो मेरा आपने अक्सर लोगों को देखा होगा उनके हेडफोन्स जो हैं वो लगे हुए कान में और मान में और मुस्तकिल लगे हुए हैं। बसेस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं लोग तो हेडफोन्स लगाते हैं ताकि जो नॉइस है वो ना आ सके। इसी तरह गोरखपुर एक जगह है इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर एक 18 साल बच्चे ने वायरलेस जो है वो हेडफोन्स लगाए और काफ़ी देर तक लगाए, उससे उनकी सुनने की सलाहियत जो है वो जाने वाली थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी का बड़ा शुक्रिया कि सर्जरी से उनकी वापस आ गई, हालांकि उनकी जो सुनने की ताकत थी, सलाहियत थी, वो जा चुकी थी। फिर सर्जरी हुई और उनसे दोबारा जो है वो सलाहियत उनको मिल गई। ये आपको बता दूं कि ये हेडफोन से, क्योंकि मैं इससे क्या, क्योंकि हम भी हेडफोन्स लगाते हैं, जब आप हेडफोन्स लगाते हैं और जब आप ब्लॉक कर देते हैं तो ये कहा जाता है कि जो वेंटिलेशन चाहिए होती है, वेंटिलेशन जो आप घरों में अक्सर आपने देखा है कि हवा जाने के रास्ते को वेंटिलेशन कहते हैं, तो अगर वेंटिलेशन अगर नहीं हो रही आपके कान में, आपका हवा नहीं आसपास हो रही काफ़ी देर तक, तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। आप काफ़ी देर तक जो है वो हेडफोन्स लगाए रखें तो उससे भी ये होता है कि ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस होती है और बेस्ट जगह है बैक्टीरिया के लिए ह्यूमिडिटी। और ना कि सिर्फ ये, मैं आपको बताऊं जो वॉल्यूम आपने रखना है अपने कानों में वो 60% कहते हैं वॉल्यूम इज सेफ, वरना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो जब भी आप हेडफोन्स लगाएं 60% आप उसका वॉल्यूम रखें, और ज़्यादातर वो कहते हैं, कहा जाता है जो ओवरहेड आपके हेडफोन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वॉल्यूम, तो वो इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते जो आपके कान के अंदर रहते हैं। और जो एयरपॉड्स हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, काफ़ी देर तक आप कान में रख के आप गाड़ी भी चला रहे हो, यकीन माने आप बिल्कुल अमीर नहीं लगते। अगर
आप वो एयर अक्सर आप यकीनन आपको देखेंगे, लोगों ने कुछ भी नहीं सुनना होता फिर भी कानों में लगाए हुए होते हैं ताकि अगर 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 आपने अमीर होना है तो आपको दो तरीके बताता हूँ। एक आपके हाथ में इस तरह पर्स इस तरह रखा होना चाहिए, हेडफोन्स आपके कान में एक होना चाहिए और आपके फोन दोनों जो है वो हाथ में होने चाहिए, आपको चलना चाहिए। अगर आप लड़के और पीछे सेव बनाना चाहिए, माल्टा भी चल जाएगा वैसे तो। ये बिल्कुल ये जो हम सपोर्ट लेते हैं सीरीज का अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, हम वो सबसे वीक पर्सनालिटीज होती हैं। I would like to say, so do not do that. Yes. बिल्कुल जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और शुक्र है कि उस बच्चे की जो हेयरिंग एबिलिटी है वो वापस आ गई, तो आप लोग भी थोड़ा ख्याल किया करें कि क्या चीज़ कितनी देर के लिए करनी है। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिवली करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। अच्छा जी, अगले और शर्ट अच्छी लग रही है मुझ पे, मैंने देखा भी। हाँ, मैंने तो आपको सुबह आते ही कह दिया था कि हमने थोड़ा मैच करने की कोशिश की थी तो समहाउ कुछ हो ही गया। अच्छा जी, अगली और आखिरी खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली और आखिरी खबर जो है वो रोनाल्डो और मेसी के हवाले से है। यूरोपियन फुटबॉल जो हो रहा है इस वक्त होना शुरू हो गया है, उनके फैंस जो हैं वो बड़े दिल बर्दाश्त हैं, दिल बर्दाश्त इसलिए हैं क्योंकि 21 साल के बाद ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो यूरोपियन फुटबॉल में नहीं आप लोगों को नजर आएंगे। तो अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मेसी और रोनाल्डो को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो जिस टीम का हिस्सा होते हैं वो उसी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम किस टीम को सपोर्ट करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी टीम को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन उनको ये हो रहा है कि टफ कॉम्पिटिशन जो एक होता था या वो जो एक बैकबोन होती थी टीम की जिसपे हर बंदा रिलाय करता था कि जब तक हम तो क्रिकेट में कहते हैं ना जब तक शायद आफरीदी खड़े में तब तक सही है, तो उन मैचेस में तो एंड तक हर बंदे ने रहना होता है, तो उनको भी एक बैकबोन की फीलिंग आती थी इन प्लेयर्स की अपनी टीम में मौजूदगी से कि हाँ जी हमारी टीम में ये इतना अच्छा प्लेयर है, ये एंड मिनट तक ये लास्ट सेकेंड तक कुछ ना कुछ गेम चेंज कर सकता है। तो ये फीलिंग जो है ना वो अब उनको नहीं आ रही, तो फैंस जो है वो बड़े दिल बर्दाश्त हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप सबको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेसी और रोनाल्डो दोनों ने सऊदी अरब की जो टीम्स हैं उनके जो क्लब्स हैं उनको ज्वाइन किया हुआ है, तो वो यूरोपियन एक ने अल नसर, जो रोनाल्डो है उन्होंने अल नसर, और मेसी ने मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या नाम है उनका, तो वहां की क्लब्स को ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए वो यूरोपियन फुटबॉल का इस दफा हिस्सा नहीं है। और बड़ा दुख की बात है वैसे मुझे हो रहा है, क्या है ना अक्सर जो मैंने जब भी मेरे भी जितने फुटबॉल के जो शौकीन है मेरे दोस्त जब देखते तो वो या तो मापे उनको कर रहे होते सपोर्ट, रोनाल्डो कर रहे होते, मेसी कर रहे होते, और नेमार, ये कुछ चार पांच नाम है जो जो हमें याद भी ऐसे हुए कि उनका नाम बड़ा सुनने को मिलता है। और रोनाल्डो और मेसी तो यकीनन आपको सऊदी अरब के बहुत सारे क्लब्स में देखने को मिलेंगे, और ये कहा ये रूमर्स थे कि शायद हो सकता है वो वहां से चले भी जाएं। अब मेरा ख्याल है अब ज्यादा देर नहीं करते, यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, आप वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि आज है वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे, उसके अगेंस्ट ये डे मनाया जाता है, हम इसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग, वो कानून जो ताकतवर के गुलाम के तौर पर काम करे उसकी राह में हमेशा रुकावट बनकर रहूंगा मैं। देखने में तो वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता लेकिन उसके ऊपर 16 कत्ल का इल्जाम है। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। सौ बिस्मिल्लाह। नहीं शुरू, मेरी गल याद रख, जे तू मोना दे अलावा किसे होर नु तकिया भी ना तो मैं तेरी अखा नोच लेनिया ने। नजर आना मुझे आंदा ना, कुछ दिखाई देता ना कुछ सुनाई देता सिवाय मीरब की। बस मेरे पुत्र तू दूर रही नहीं तो तेरिया लत्तां कट देनिया मैं। मुझे तो आज पता चला कि उनके दिल में मेरे लिए कितना गुस्सा कितनी नफरत है। तो
उन्हें देखकर ना मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टांगे मेरा वजन नहीं बर्दाश्त कर पाती। अगर गुनाह को सवाब में बदलना पड़ा ना तो बदल दूंगी। भीड़ों के छत्ते में हार डालू, नोच ले मेरी बोटियों, जाम ले लूंगी सिकंदर शाह की। तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो और ये लट गजबधारी। मना ले चार दिन की खुशी, उसके ऐसे पर काटूंगे कि जिंदगी भर याद रखे। बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें, खबरदार, छूना मना है। भारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर। इन्हें क्या पता यादें क्या होती। ध्यान किया करो बहू, पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई। बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मिले हैं ये पल, ना मिलेंगे ये कल, आज जी लो इन्हें ये समा फिर ना आएगा। वक्त ये इसकी जगह यही है, गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर ना आए। जी, वेलकम बैक टू द शो। आज हम लोग बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले एक दिन के हवाले से, जो चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ मनाया जा रहा है। 12 जून को ये दिन जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इस साल जो इसकी थीम रखी गई है वो है जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि इंसाफ जो है वो सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बच्चा जो है वो हर लग्जरी के साथ रह रहा है, और जब आपके घर मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने पर यकीन नहीं रखती। मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेने पर यकीन रखती हूँ, अपने घर से शुरुआत करने पे यकीन रखती हूँ। मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखती कि आपका बच्चा तो हर काम कर रहा है, बुरा काम भी कर रहा है तो भी आप उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन जब आपके घर आपके काम वाले का बच्चा आएगा और उससे कोई ग्लास टूट जाएगा तो आप उसे मारेंगे भी, डांटेंगे भी, उसको ज़मीन पर बिठा कर खाना भी खिलाएंगे, जबकि आपका जो बच्चा है वो आपको ये भी समझ नहीं आ रही होती कि वो बेड गंदा कर रहा है, सोफा गंदा कर रहा है, या ड्राइंग रूम का सोफा गंदा कर रहा है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है करता है, लेकिन और जब मेहमानों का बच्चा भी आता है आप कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपको पता होता है कि क्योंकि आप नहीं कह सकते ना। लेकिन आप काम वाले के बच्चे को
करते हैं, बुली करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको झिड़कते हैं कि ये मत करें, ये मत करें, तो अपने घर से अगर सारे लोग शुरुआत करना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हम उस माशरे में चले जाएंगे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक आइडियल मॉडल छोड़कर गए थे। इस बारे में क्या लॉज हैं पाकिस्तान में, क्या लॉज नहीं हैं, क्या लॉज हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इन सारी चीज़ों के हवाले से कोशिश करेंगे, हर पॉइंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के लॉयर मौजूद हैं, उमर सईद। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी मॉर्निंग अच्छी हुई होगी। माय मॉर्निंग वाज फाइन, इट वाज फाइन, इट वाज मंडे मॉर्निंग, बट एक अच्छी मॉर्निंग होगी मेरी आज। चलें शुक्र है, किसी की तो अच्छी होना शुरू हुई है। उमर, सबसे पहले मेरे ख्याल से कन्वर्सेशन का आगाज यहीं से करेंगे कि ये दिन जो मनाया जा रहा है अवेयरनेस के लिए मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी, आपको क्या लगता है कि वो अवेयर हैं या वो अवेयर होने के बावजूद भी अवेयर होना नहीं चाहते? जब उनके घर में एक, जैसा हुमायूं ने भी जिक्र किया कि जब एक मेहमान का बच्चा आता है या आपका अपना बच्चा होता है तो आपका उसके साथ बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक काम वाले के बच्चे के साथ आपका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप अवेयर होते हुए भी अवेयर नहीं होना चाहते या अवेयरनेस है ही नहीं हमारे मुल्क में? आई थिंक जो ये चाइल्ड लेबर है, दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी रेलिवेंट टू बी डिस्कस्ड इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। एंड अगर मैं थोड़े इसके बैकग्राउंड में जाऊँ तो दिस डे एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल विच इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2002 में इनिशिएटिव लिया अबाउट अ डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। एंड जो इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें से दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेनली काम कर रही हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द सेकंड इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस अगेंस्ट चाइल्ड राइट्स, एंड देन यू हैव द यूनिसेफ व्हिच इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फाइनेंस, ये मेनली काम कर रहे हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। नाउ बी अब उसमें फिगर्स ये आती हैं कि मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक नंबर बताऊँ, विच इज़ 160 मिलियन children all over the world are under the garb of child labor. इसमें से सेवन में आपको दो जो लीडिंग कॉन्टिनेंट्स हैं जिनकी जो कंट्रीज बनती हैं, एक तो हैं अफ्रीकन कंट्रीज जिसमें 72 मिलियन चिल्ड्रन आर अंडर द गार्ब ऑफ चाइल्ड लेबर, एंड सेकेंड इज एशिया जिसमें आपका इज इंडिया टेक्स अ लीड, एंड देन थर्ड नंबर पर पाकिस्तान भी आता है। अब इंटरेस्टिंगली द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु द ऑफिशियल नंबर विच हैज़ बीन गिवन बाय आईएलओ इज 3.3 मिलियन चिल्ड्रन हु आर अंडर द गार्ब ऑफ चाइल्ड लेबर, बट इंटरेस्टिंग 3.3 मिलियन ये चिल्ड्रन आर working as child labor in Pakistan. वो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं as a child labor. मैं चाह रहा हूं उसमें भी हम ताकि मैं इसको जैसे समझूं। और अब इसकी एक और बात भी है बीच में कि एक यहाँ पे है ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान में, उसने 2022 दिसंबर में एक और रिपोर्ट निकाली जिस पे उन्होंने कहा जी अब 12 मिलियन बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के तौर पे पाकिस्तान में, तो नंबर हैज गॉन अप टू बहुत ऊपर नंबर चला गया जो कि 12 मिलियन तक बात जाती है। अब इसमें एक और बात आती है कि अब आप जो बात करते हैं, हम ओवरऑल समझते हैं बात को कि चाइल्ड लेबर को हम डोमेस्टिक हेल्प से भी चलाते हैं कि जी डोमेस्टिक हेल्प है ये भी चाइल्ड लेबर है। इसमें बड़ा एक डिफ्रेंशिएट करना होता है एक चीज़ में कि एक होती है चाइल्ड लेबर, एक होता है चाइल्ड वर्क, उसको डिफाइन करते हैं ठीक है, वो ऐसे है कि जी अगर चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर कोई ऐसा काम कराया जा रहा हो बच्चे से जो कि बच्चे की जो आप समझ लें जो ब्रॉटअप है या जो बच्चे की मेंटल कैपेसिटी है उसको साइड पे करके बच्चे को पढ़ाई से दूर कर दिया, बच्चे से मेहनत करवाई और उसको बिल्कुल बाकी जो उसकी आप समझ लें तरबियत के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने नहीं की, आपने बच्चे को डायरेक्टली डाल दिया लेबर या फिजिकली भी ओवरबर्डन फिजिकली ओवरबर्डन फिजिकली एंड मेंटली ओवरबर्डन कर दिया इसको। अब पाकिस्तान में लॉज मौजूद हैं, पाकिस्तान में इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपने ये देखनी है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका एक आर्टिकल 11 है और आर्टिकल 25A है। आर्टिकल 11 ये कहता है कि कोई भी बच्चा 14 साल से छोटा किसी से आप उस बच्चे से आप कोई मेहनत मशक्कत या कोई लेबर नहीं करवा सकते 14 साल से छोटा। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है जो कि देखें ये फंडामेंटल राइट्स की बात आती है यहाँ पे ठीक है,
और दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 25A जो कहता है कि जी 5 साल से लेके 16 साल तक का जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है जो कंपलसरी एजुकेशन है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। तो अब देखें यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आप बच्चे को उठाते हैं और बच्चे को डाल देते हैं काम में तो पहली बात ये है कि 14 साल से नीचे तो आपका आईन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप बच्चे से काम लेबर नहीं ले सकते। दूसरी बात आती है कि अगर और साथ स्टेट भी कहता है कि जी आप बच्चे को 16 साल तक स्टेट ने बच्चे को पढ़ाई भी करानी है। दूसरा जो हमारा लॉ है दैट इज द वो बनता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991। ठीक है, ये भी इसमें मैं बताऊंगा सजा क्या होती है जी। इसमें अच्छा। सजाएं नहीं दी हुई है कि जो भी एम्प्लॉयर है इनने एक लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट को आपने समझना है कि अगर आप डोमेस्टिक हेल्प रिसेंटली इस्लामाबाद में ऐड हुई है विद इन द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर आपने समझ दें कि ये पहले अभी सभी सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ऐड हुई हुई है प्रोविंशियली प्रोविंस वाइज ये इस टॉपिक को देख रहे हैं क्योंकि अब प्रोविंस की अपने लॉज हैं विद रिगार्ड टू चाइल्ड लेबर तो ये लिस्ट में भी ऐड होगा बिकॉज आपने ये देखना होता है कि जो बच्चा एक हैजर्डस मीनिंग एक ऐसी इन्वायरमेंट जो कि बच्चे की बच्चे के लिए सेफ नहीं है जिसमें से आपकी माइनिंग आती है कोल माइनिंग है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ये कारपेट वीविंग इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है। दूसरा आपकी ये बेगिंग माफिया है, बेगिंग माफिया तो चलता ही चाइल्ड लेबर पे अगर आप समझ लें। आपने मेरी ये कन्फ्यूजन दूर करनी है, आपने जो बात की आर्टिकल 11 की इसका सब आर्टिकल 3 है वो ये कहता है कि जितना भी जो चाइल्ड लेबर है 14 साल से कम उम्र में आप नहीं करा सकते डेंजरस एक्टिविटी जो उन्होंने लिखा है एक स्पेसिफाई किया है कोई भी खतरनाक जिसको माइनिंग कहा गया है और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें उनको जान का खतरा हैजर्डस एनवायरनमेंट। मैं क्योंकि मेरे पास लॉ की तालीम नहीं है तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ। पहला मुझे मेरा सवाल है कि 14 साल की कम उम्र में क्यों, ये 18 साल से कम का क्यों नहीं है? अच्छा, एक तो ये क्लियर कीजिएगा। दूसरा क्या सिर्फ यानी कि बाकी जो आम जो डोमेस्टिक हेल्प है उसमें काम किया जा सकता है जिसमें उसको जान को खतरा है सिर्फ वो नहीं कर सकते? ये दो चीजें क्लियर कीजिए। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो आपने पॉइंट रेज किया कि 14 साल की उम्र तक अभी इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की हद तक दिस इज 14 ईयर्स, पंजाब सिंध और तीसरा हमारा बनता है पंजाब सिंध एंड केपी ने इसको 18 साल पे कर दिया है जो अपने प्रोविंशियल लॉज हैं। ठीक है। और दूसरा ये बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि दिस शुड बी इंक्रीज्ड टू 18 ईयर्स कि बच्चा जब उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और उसकी एक मेंटल कैपेसिटी बन गई है तब वो बच्चा ऐसी फील्ड में आए जहाँ पे वो काम कर सके आगे। कुछ हमारे ऐसे माइनिंग लॉज भी हैं क्योंकि आप देखें इसमें मल्टीपल लॉज हैं विच ओवरसी ये लेबर लॉज में इसको हम कह लें अगर आप कहें तो इसमें थोड़ी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि 14 साल 16 साल और 18 साल कुछ लॉज में ये आ रहा है कि जी अब 16 साल तक बच्चों को आप बच्चों को अलाउ करेंगे जी ये ऐसी इन्वायरमेंट में आके काम कर लें लेकिन जैसे आप वही पंजाब केपी और सिंध ने इसको कर दिया है 18 साल और इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की हद तक ये अभी 14 साल ही है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज 14 ईयर्स। अब 14 ईयर्स का पॉइंट ये है बिकॉज इसमें अगर आप थोड़ा देख लें तो बच्चे की तो थोड़ा बालिग उम्र जिसको हम कहते हैं ना तो ये वहाँ से भी थोड़ा डराइव किया गया है कि जब बच्चा थोड़ी बालिग उम्र में आता है तो चलो उसको उस एनवायरनमेंट में भेज दिया जाए जहाँ पे वो कुछ ऐसा काम करे। दूसरा दी इशू इन पाकिस्तान इज पॉवर्टी। अब देखें यहाँ डेवलपिंग कंट्री मसला डेवलपिंग कंट्री में क्योंकि हमारा अगर हमारे लॉ पे आप जाएँ 14 साल तक मेरे अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने लेवरेज दी हुई है उन वालदेन को। ठीक है जी, जिनके वो बच्चे हैं क्योंकि वालदेन हमारे रूरल जो इलाके हैं जो हमारे गाँव देहात हैं वहाँ पे आप देखें कि एक तो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इन्हीं सारी बातों की तरफ आना चाह रही थी कि हमने किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना, वालदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं लेकिन कुछ पाकिस्तान में हालात इस किस्म के हैं कि मजबूरन उन्हें करना पड़ता है। एक तो 10-10 बच्चे हैं, बाप की इतनी इनकम नहीं है, एक मजदूर की कितनी इनकम होती है कि वो 10-10 बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उनके अखराजात भी उठाए। तो वो जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो जिस तरह ही थोड़ा सा बड़ा वो कद काट निकालता है तो वो उसको काम पे लगा देते हैं। वो चीज भी हमने समझनी है कि उस बच्चे ने अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं हेल्प करना जी। लेकिन जिस तरह से बताया गया कि डेंजरस काम जो है वो उनसे नहीं कराने चाहिए या इस तरह के काम जिनमें उनकी जान को खतरा हो, जिस तरह आपने कारपेट की इंडस्ट्री के हवाले से बात की वो खास तौर पे एक बैकबोन है पाकिस्तान की
एक्सपोर्ट की और उसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व है। उसमें जो डाई यूज होता है वो खतरा, वो बहुत ज्यादा खतरा है, जो रंग और केमिकल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो वो किस तरह से किया जा सकता है कि उससे बच्चों को बचाएं, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बचाएं। देखें, अब बच्चों को अगर आपने एक तो लॉ ने प्रोटेक्ट किया बच्चों को इस हद तक कि हैजर्डस एनवायरनमेंट की उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी हुई है, जो कि माइनिंग इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये कॉपर इंडस्ट्री है, जहाँ पे केमिकल्स है, भट्टे में काम करते हैं, भट्टे को मना किया गया, यस, भट्टों में बहुत ज्यादा बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, सबसे ज्यादा है। और देखें, अब इसमें आप एक और चीज देखें, जो ये फैक्ट्री ओनर्स हैं और जो जिस तरह ये भट्टे जो लोग चलाते हैं, इनके लिए तो एक अच्छी एक ऑप्शन निकल आती है कि बजाय कि हम एक एडल्ट को मिनिमम वेज दें जिसपे सरकार आके चेक करे, इनको तो फायदा ये भी हो जाता है कि बच्चे को आप कम तनख्वाह दें और आप बच्चे से ठीक ठाक जितना काम लेना है उससे ले लें, नॉट कीपिंग इन माइंड कि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ, बच्चे की फिजिकल हेल्थ कितनी ज्यादा उसमें डैमेज हो रही है। उमर, आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ ये मैं इन्फॉर्मेशन साथ में देना चाहूँ, भट्टे में ज्यादा चाइल्ड लेबर इसलिए भी यूज होता है, मैंने जब भट्टे विजिट किए क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट था, भट्टे के अंदर जो साइज है ना, जिसके अंदर जाकर आप ईंट बनाते हैं, ठीक है, वो साइज बड़ा छोटा है, तो जो अगर लंबा कोई अडल्ट बनता है तो उसे झुक कर जाना पड़ता है और उसके लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन बच्चों के कद क्योंकि छोटे होते हैं, ऑफकोर्स वो छोटे कद के होते हैं, तो उनके लिए आसान भी होता है वो काम करने के लिए और उनके लिए वो मतलब फिजिकली वो पॉसिबल भी होता है। और जो वेज की बात की ना उमर ने, उनको पैसे कम देकर आप ज्यादा देर तक काम ले सकते हैं। दूसरा, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा जो हम बात कर रहे थे कि द पेनल्टी इन केस अगर आप, अच्छा अब इस पे Who are the ones, कौन है जो इसको इन्फोर्स करते हैं, जो पता करते हैं कि जी ये जो लेबर है, ये चाइल्ड लेबर कहाँ कैसे किसने एम्प्लॉय की हुई है, वो होते हैं आपके जी ये देयर कॉल्ड लेबर इंस्पेक्टर्स। अच्छा, अब जैसे पाकिस्तान है, अब लेबर इंस्पेक्टर्स भी जब साइट पे आते होंगे, उनको जो एम्प्लॉयर है किस तरह मैनेज करता होगा, क्या करता होगा, खैर वो तो चलें एक और टॉपिक है, लेकिन पॉइंट ये है कि चलें, देर आर सर्टन लेबर इंस्पेक्टर्स। पहली बात तो अगर आप नंबर्स पे जाएं तो पाकिस्तान में देर आर नॉट इनफ लेबर इंस्पेक्टर्स जो कि हर साइट पे ऐसे एरियाज में पहुंचे जो जाके वहाँ से रिपोर्ट करें कि वॉट इज़ द करंट ग्राउंड रियलिटी कि जी क्या चल रही है यहाँ पर चाइल्ड लेबर की। दूसरा ये आता है कि चलें, पहली बात ये पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को, हु इज़ द कंप्लेनेंट इन केस, अगर बच्चे का पता करना है कि बच्चा एक चाइल्ड लेबर कहीं इस्तेमाल हो रही है, एम्प्लॉय तो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, वो क्यों कंप्लेन करेगा, वालदैन कभी कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए तो वो पैसे कमा के घर लेकर आ रहा है या भेज रहा है जो भी कर रहा है। तो इस पर एक तो इशू आता है कि हु इज द कंप्लेनेंट, हु परसूज अ केस अगेंस्ट दैट एम्प्लॉय, आपके ये सोलली उसके हाथ में ही आता है जो आपका ट्रेड जो आपका लेबर इंस्पेक्टर है, अगर वो आता है वो देखता है कि जी इनने इतने बच्चे एम्प्लॉय किए हुए हैं यहाँ पे, इनको फाइन, अच्छा अब इस पर ऑफेंस किया। पेनल्टी ये है कि जी अगर द एनी एम्प्लॉयर any person who is found to employ a child below the age of 14 shall be punished with imprisonment of a maximum of 1 year maximum ek saal ke liye or fine of rupees 20,000। So, अगर मैं इसको उर्दू में दोबारा करूँ तो यानी कि उसको कैद होगी एक साल के लिए और 20,000 तक का जुर्माना होगा। नहीं, कैद होगी एक साल के लिए या फिर जुर्माना या फिर जुर्माना। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो लोग इस मामले में कहीं आप इशू राइज होता है, पहली बात तो ये कन्विक्शन भी उनकी बड़ी कम होता है, कोर्ट से कन्विक्शन हो जाए सेटलमेंट हो जाती है कोई ना कोई, ठीक है जी, कन्विक्शन हो भी जाए तो एक तो मैक्सिमम 1 year है, तो वो कहते हैं नहीं जी हमें आप एक काम करें, हमें सेंटेंस ना डोंट गिव अस, डोंट कन्विक्ट अस फॉर द ऑफेंस, हम इसका कन्विक्ट कर दें, हम इसका फाइन पे कर देंगे, ठीक है। और ये फाइन 20,091 के लॉ का मेंशन हुआ है जी, जी। तो आप देखें उस वक्त 20,000 मेंशन किया, इसको रिवाइज करके अब आप आज देख लें जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों में हुआ है, तो आप हिसाब लगाएं कि अभी कितना होना चाहिए टू एटलीस्ट क्रिएट, आप एक डर तो बैठाओ उस एम्प्लॉयर के दिमाग में, एम्प्लॉयर के लिए बड़ा आसान बना हुआ है कि इशू बनता है, पहली बात तो वो सेटलमेंट कर लेगा, नहीं भी होगी तो यार वो 20,000 जुर्माना देके मामला रफा दफा कर देगा। उमर, एक नन्ना सा सवाल है, ये मुझे इसका जवाब आपसे ही चाहिए, मुझे बताएं कि आप वकला हैं माशाल्लाह, आप हाई कोर्ट में लंदन से पढ़ कर आए, आपने वहाँ के भी लॉ देखे हैं, एक सब्जी वाला बच्चा जो कि रेड़ी का वजन उससे भी नहीं उठाया जा रहा, वो आपके घर के आगे से भी गुजर रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर के घर के आगे से भी गुजर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के शायद जज के घर के आगे से भी गुजर रहे हैं, गुजर तो आपके सबके घर के आगे से रहे, ऐसे ही है। लेकिन हम बाहर आके क्यों नहीं उसके लिए कुछ कर रहे हैं, सिर्फ मेरे ये एक नन्हा सवाल है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सही, देखें इसमें ऐसे है कि अगर हम जैसे कि मैं मेंशन करूं, बिकॉज मैंने थोड़ा काम किया, एक कमीशन है, इट्स कॉल्ड द NCRC,
ये 2017 में ये इनैक्ट किया, एक लॉ इनैक्ट किया गया जिसके तहत ये कमीशन इन एक्शन आई, और 2020 में इसकी द कमीशन स्टार्टेड देयर वर्क ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. सो बेसिकली इसका है जी, दिस इज़ द नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड. ये काफ़ी काम कर रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन नंबर वन, एंड उसको इस तरीके से ये काम कर रहे हैं कि जो जो हमारे लॉज हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उन और लोगों की नॉलेज और लोगों की नॉलेज में लाना इस इशू को. देखें अब ये इशू ऐसा है कि पाकिस्तान में वही बात आपने बड़ी रेलिवेंट की कि जी हम तो ये सामने देख रहे हैं लेकिन हमने कभी इसको इतनी तवज्जो नहीं दी. इसको तवज्जो देने के लिए हमें वी नीड सेमिनार्स, वी नीड सर्टन पीपल, जैसे आपके शौक आप अपने शो के ज़रिए से अवाम जिस इस ऑन द स्पेसिफिक डे आप अवाम को ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अवाम को अगर अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी तो अवाम को पता लगेगा, वरना अवाम अभी तक दे वो कहते हैं ना जी इसको बस वो देखते हैं और वो सब वो इसको इतनी वो तवज्जो इस चीज़ को नहीं दी जाती, क्योंकि हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं उन्हीं बच्चों को रोडों पे, उन्हीं बच्चों को वो फ्रूट की रेड़ी को अगर धक्का दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना थोड़े इनसेंसिटिव हैं हम लोग कर दिया इस चीज़ की तरफ. हलीमा मेरा ख्याल है उसको ये बहुत आसान है कि उस बच्चे को मना कर दिया जाए, छुड़वा दिया जाए. हमें बात करनी है उसके ऑल्टरनेट सोल्यूशन की, क्योंकि उसने तो पैसे कमाने हैं, उसने तो यकीनन पैसे कमाने हैं, उसने तो घर चलवाना है, वो वही वाहिद सहारा है घर का. यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. हम उमर से पूछें कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका सलूशन भी कहीं ना कहीं बताती है कि खुदा खास्ता अगर उसका घर उसी से चलता है तो फिर वो क्या करेगा. ब्रेक वापस. उन्हें देखकर ना मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, टांगे मेरा वजन नहीं बर्दाश्त कर पाते. अगर गुनाह को सवाब में बदलना पड़ा ना तो बदल दूंगी. भेड़ों के छत्ते में हाथ डालूं, नोच ले मेरी बोटियों, जाम ले लूंगी सिकंदर शाह की. मैं जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं. सो बिस्मिल्लाह. नहीं शर्मा, मेरी गल याद रख, जे तू मोना दे अलावा किसी होर नु तकया भी ना ते मैं तेरी अखा नोच लेनियां ने. नजर आना मुझे आंदा ना, कुछ दिखाई देता ना कुछ सुनाई देता सिवाय मीरब की. बस मेरे पुत्र तू दूर रही, नहीं तो तेरी लत्तां कट देनी है मैं. तो आज पता चला कि उनके दिल में मेरे लिए कितना गुस्सा कितनी नफरत है. जी वेलकम बैक टू द शो. हम लोग चाइल्ड लेबर के हवाले से बात कर रहे हैं. आज दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है वो दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को भरपूर तरीके से मनाना इसलिए हम सब पे फ़र्ज है ताकि हम वो गलतियां ना करें जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं. उमर थोड़ा सा हाउस होल्ड की तरफ आएंगे. घर में जिन बच्चियों को भेज दिया जाता है या बच्चों को भी दोनों को काम के लिए, काम करने के लिए कि आप जाएं, उनके माँ बाप जो है ना भेज के बेगम हो जाते हैं कि अब ये इस घर में बिल्कुल ठीक रहेंगे. उनके तीन तीन चार चार महीने की सैलरी जो है वो एडवांस में ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी का कर्ज अदा करना होता है. बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया, तीन चार महीने बाद जी हम इसे लेने आ जाएंगे. तीन चार महीने आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है वो फिर बाद में टी वी पर खबर चलती है कि बच्ची को मारा गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको जला दिया गया, बाल बुरी तरीके से काट दिए गए और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें. तो ये जो चीज़ है आता तो वो इस उम्र में नहीं है जो हम पाकिस्तान के लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिस ठीक है कि चार पाँच महीने के लिए वो वहाँ पे मौजूद हैं
और आपको कोई याद नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो कहाँ पे है, किस हाल में है, आपने जाके उनकी खबर लेनी है और उनके साथ क्या हो रहा है उस घर में, ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगी। हम यहाँ पे कॉलर लेते हैं, इम्तियाज साहब जी हमारे साथ कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात दरअसल ये है कि बहुत ही दिल खराश टॉपिक है। देखिए, चाइल्ड लेबर तो वाकई नहीं होनी चाहिए, मगर ग्राउंड रियलिटी को तस्लीम करना चाहिए। अगर किसी के 5 बच्चे हैं और उसके वालिद साहब को 30-35 हजार रुपये सैलरी देता है, तो मुझे बताएं कि कैसे गुजर बसर होगा। ये तो उन मुल्कों के लिए है ये चीजें जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, हर तरफ साया हो, हर तरह अमन शांति हो, खुशहाली हो, वहाँ पे, यहाँ पे तो जान के लाले पड़े हैं। 30-35 हजार भी किसी को सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। और गुर्बत का ये आलम है कि कई करोड़ बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। वो सब बातें कानून की सही है कि चाइल्ड लेबर जो है ये जुल्म जाती है, मगर इसके बदले में आप कौम को क्या देंगे? और एक बात बड़ी है, सच है मगर रसवाई की। देखें, बाज लोगों के घरों के कुत्ते, पेट्स, उनका खर्चा एक आम आदमी से ज्यादा होता है, और VIP गाड़ी में घूमता है, तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ये ठीक है कानून, मगर आप ये तो देखिए, नफ्सा नफ्सी के आलम है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव बात है, जो आप भी मानेंगे, अब वो टाइम नहीं कि कोई किसी को गलत बात करके उस बात को बनवा ले। अब टेक्नोलॉजी ने और जो कुछ भी है, IT ने इतना इंसान को अवेयरनेस पता कर दिया है कि अब वो जमाना गया कि कोई बोले ये काला है, ये काला है, नहीं, वो सही बात की तह तक पहुंच जाता है। तो चाइल्ड लेबर से पहले हमें ये देखना है उनके पेरेंट्स के साथ आप क्या बर्ताव करते हैं। क्या उनकी माँ अगर फैक्ट्री में काम करती है तो उसको क्या वेजेस दे? और बात यह है कि इनके ऊपर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। जो जुल्म ज्यादती करते हैं वो इतने ताकतवर हैं, अगर आपने कुछ इनके खिलाफ बोला तो फिर या तो आप गायब हो जाएंगे या आप सदस्यता से मिट जाएंगे। तो भाई ये बड़ा मसला नाजुक है, इसके लिए तो अखलाकी कदरें हमारे यहाँ होनी चाहिए, तब मसला हल होगा। यार तुम ही सब कुछ खा जाओगे। बाहर मुल्कों में जिनके बच्चे ज्यादा पैदा होते उनको हुकूमत जी इतने अलाउंसेस देती है कि वो सोचता है यार अच्छा है, एक दर्जन बच्चे पैदा हो जाए हमारे। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें बड़ी जो है ना कॉन्टेबल है, इस पर सोचना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर गलत है, बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा जिनने बात की कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए ये तो इट्स पॉइजन विच इज इन द सोसाइटी और कब से चलता आ रहा है। दूसरा मसला ये भी है कि इसका जो ने बात की ना जी कि कितने बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को आगे काम में डाला जा रहा है, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो यही करते हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ। तो उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वैसे भी बेहतर नहीं हो सकता। तो ये जो साइकिल है ये चलता आ रहा है सालों से, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब ये सिर्फ जो बात समझ आती है कि लोगों की अगर इस पर तवज्जो आए और इस पर जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी और स्ट्रिक्टली की जाए, जो सज़ा है वो बढ़ाई जाए, जो फाइन है वो बढ़ाया जाए, तब ही जाके कुछ ना कुछ जो बंदा जिसने एम्प्लॉय किया है इन बच्चों को वो डर पैदा होगा उनमें, तो वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूसरा जो आपने पहले सवाल किया था अबाउट डोमेस्टिक हेल्प, उसमें आपने कहा जी बच्चों के साथ तशद्दुद किस तरह किया जाता है और किया है, इसमें बड़ा एक मशहूर केस है जिसने बहुत लाइमलाइट पकड़ी थी इन ऑन मीडिया एज वेल, दैट इज़ द जोहा शाह केस, 2020 का ये केस है, वो जो बैरिया टाउन का जी ये एक मामला रावलपिंडी, और इसी केस के बाद इस्लामाबाद में ये ह्यूमन राइट्स हमारी मिनिस्टर थी उस टाइम पे शरीन मजारी मैडम, उन्होंने ये प्रपोज किया कि जी ये जो डोमेस्टिक हेल्प वाला क्लॉज है, वर्क है, इसको ऐड किया जाए इन द स्केड्यूल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991। तो उसके अच्छा खैर जी ये अच्छा उसमें क्या कि दिस जोहा शाह दिस गर्ल हु वाज 8 जो 8 साल की थी, उसको जैसे अपने वालिद ने 4 महीने पहले एक मियां बीवी थे, आई थिंक यंग कपल थे ये, उनके घर पे छोड़ा एज डोमेस्टिक हेल्प के घर पे जी ये काम करेगी। उन्होंने कही उसकी वो कोई पेट कोई वो थे उनकी चिड़िया या कोई तोते थे, तो वो की गलती से उससे पिंजरे से की निकल गए या क्या हुआ। उसके बाद अब ये सोचें कि इतना इन लोगों का आलम और इन लोगों की सोच क्या है कि उन्होंने एक तो डॉक्यूमेंट की उसकी वीडियो बनाई उस बच्ची की उसको मारते हुए, उसको इतना मारा गया कि वो अनकॉन्शियस हो गई और उसको ये बेनजीर हॉस्पिटल लिए रावलपिंडी में, वहाँ जब ले जाया गया शी वॉज टेकन टू ICU में, उनको दाखिल किया गया, जब ICU में दाखिल किया तो शी पास्ट अवे, लड़की की डेथ हो गई।
डेथ होने के बाद ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया, उनको सज़ा भी हुई जो दोनों ये हस्बैंड और वाइफ थे। एंड उनको देखिए, अब इसमें ना एक तो था, अब इसमें अगर ऐसी क्रूअल्टी की जाती है बच्चे की तरफ कि आपने उसको एज हेल्प घर पे उसको रखा, आपने उसकी तरफ इस तरह तशद्दुद किया, फिर हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है जिसका भी एक स्पेसिफिक सेक्शन है 328, जिसके तहत क्रूअल्टी ऑन चाइल्ड, उसकी 3 साल सज़ा बनती है बच्चे अगर आप इस तरह करते हैं बच्चे पे। तो ये उनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई। ऐसे ही हमारे एक सिविल जज साहब थे, 2016 की बात है, उनका भी सेम स्टोरी, उनके नेबर ने इत्तला की थी, और वो बच्ची की तस्वीरें अगर आप लोगों ने देखी हो, जो लोग देख रहे होंगे, आई एम श्योर ये देखी होंगी, वो बड़ा एक मैं कहता हूँ वो डेविस्टेटिंग वो जो एक उस बेचारी बच्ची की पिक्चर्स थी, वो नेबर ने कंप्लेन किया और उसके बाद वो फिर आगे परसू किया जज साहब को अपनी ड्यूटी से, उन्हें हाथ धोना पड़ा, धोना भी चाहिए उनको हाथ। हमारे साथ कॉलर हैं जी, कशिफ राणा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हलीमा और हुमायूं आप? बिल्कुल ठीक है हम कशिफ, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा, मैं टॉपिक आपका बड़ा सुलगता हुआ है आज, तो मैंने ये कहना था कि मैंने इस टॉपिक पे एक प्ले लिखा था और वो परफॉर्म भी हुआ और बड़ी पसीदाई मुझे मिली इस प्ले पे। बहुत उसमें यही दिखाया गया, वो इसमें यही दिखाया गया था कि मालकन के बच्चे का वो जो मुलाजम लड़की थी वो चॉकलेट खा लेती है तो उसको किस तरह वो स्त्री से जलाती है और उस पर इतना जुल्म करती है। तो उसमें मैसेज भी था, तो उस उसके हवाले से मैंने एक चंद सतरें भी लिखी थी, गजल भी लिखी थी, तो वो मैं आपके साथ चंद सतरें शेयर करना चाहूंगी। जरूर। बाज दफा ऐसा भी होता है ना कि हम लोग चोरी का भी इल्जाम लगा के बच्चों को अंदर करवा देते हैं, छोटे बच्चों को। हालांकि बाज दफा ऐसा भी होता है कि चोरी अपने ही किसी घर के फर्द ने की होती, लेकिन वो इल्जाम दूसरे लेकिन पता होता है कि डोमेस्टिक जो हेल्प है उसी ने की होगी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही है। तो वो लिखा है मैंने, न जाने कब शबे जुल्मत के सवेरे होंगे, कभी तो मेरे वतन में भी खुशहाली के डेरे होंगे। उस एक मजबूर बेबस मुलाजिम लड़की ने कब ये सोचा था मुहाफिज़ ही लुटेरे होंगे। वो मासूम जिसे पाबंदे सलासल कर बैठे थे, अपनी दानिश में उसे चोर समझ बैठे थे। उसके अश्कों ने तेरी राह तो रोकी होगी, उसकी आहों ने तेरे पांव तो फेरे होंगे। न जाने कब शबे जुल्मत के सवेरे होंगे, कभी तो मेरे वतन में भी खुशहाली के डेरे होंगे। मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए ना इस पे अल्टरनेट इसका कोई दें, बच्चों को कोई इंसेंटिव दें, कोई उस तरह कुछ उसको पे करें बच्चों को कि वो अपना घर भी चला सकें, अपनी स्टडी भी जारी रख सकें। बिल्कुल काशिफ, आपने बहुत अच्छा लिखा है, और इस तरह की चीज़ें जो है ना यकीनन अवेयरनेस जो है पैदा करती है, और इसको आप सोचते सोशल मीडिया में भी डालें, बिकॉज अगर एक बार चीजें जो है वो ट्रिगर करे तो वो बड़ा बेहतर लगता है। हमारे साथ याहिया है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम जी याहिया, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप दोनों को सलाम हो और हमारे वकील साहब को सलाम हो। देखें, इसका वेरी सीरियस टॉपिक, इसके दो पहलू हैं हुमायूं। एक तो आपका सामाजिक पहलू है और एक पहलू है कानूनी पहलू। अब मसला है कि जो मेजर हैरत की बात हो रही है, इन्होंने जो किस्से सुनाए मैंने भी वो सुने, दैट इज वेरी सैड, क्योंकि अगर चले किसी रूरल एरिया में हो रहा तो ना, किसी जमींदार के घर में हो रहा तो समझ में आती है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बच्चों के साथ, दैट इज हॉरिबल। मतलब मैं कहता हूँ उनको तो इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए जिसको सब पता है, और वो एक बच्ची के साथ इस तरह जुल्म करते हैं, उनको उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और तशद्दुद तो मैं कहता हूँ अलीमा तुझे सूरत नहीं बर्दाश्त किया था। बिल्कुल बिल्कुल, करे अपनी माँ पे करे या किसी पे भी करे, इनटॉलरेबल। मतलब इस पे तो बहुत सख्त होना चाहिए। लेकिन देखिए बात पता है क्या, बात ये है कि हम लोग, मुझे जो एक बड़ी चीज चुभती है ना, देखिए हम तबलीग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को क्यों नहीं जाके तबलीग करते हैं? हम मस्जिद के बाहर लोगों को पकड़ लेते हैं, आप जाएं, आपको पता चले, आप उन लोगों को रेक्टिफाई करें, उनको उनकी उनकी इस्लाह करें कि यार ये मोरली सोशली और आपके इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। हाउ कैन यू डू दिस फॉर छोटे से बच्चे के साथ, अपने जबकि हम बिल्ली के साथ भी कुत्ते के साथ भी दिल नहीं करते। बेशक, बेशक। अच्छा दूसरी बात ये है कि देखिए दूसरी बात ये कानूनी पहलू ये कि कानून इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। सोशल रिफॉर्म्स के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अगर आप, मैं कहता हूँ हरी, मैं कैन गारंटी हूँ, अगर आप हेल्थ और बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलेगी ना, तो ये चाइल्ड लेबर कम हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस ये मेरा कहना है। थैंक यू, आई डोंट वांट टू टेक सो मच टाइम। बहुत शुक्रिया। उमर, यही बात जो मैंने जाने से पहले कही थी, चाइल्ड लेबर रोक लेंगे हम, शायद वो कुछ ऐसी मुहिम चलेगी, इंशाल्लाह रोक लेंगे,
लेकिन वो रुकेगी तो नहीं ना, क्योंकि घर भी तो चलना है ना, चूल्हा भी तो जलाना है, डेवलपिंग कंट्री है, विरासत पे काम मिलता है। आज हमारा ये वो इलाका है, ये वो मुल्क साउथ एशिया का हिस्सा है इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ विरासत में काम मिलता है। माँ अगर काम वाली है तो साथ बच्ची लेकर आएगी ताकि वो काम सीख ले, और जिस दिन माँ की तबीयत खराब होगी और माशाल्लाह हम इतने जालिम है, हम कहेंगे तुम छुट्टी करियो तो बेटी को भेज देना ना। बिल्कुल, मतलब क्योंकि हम हाथ पैर हमारे काम नहीं करते, हमने कभी काम नहीं करना, लेकिन तुम बेटी भेज देना, तुम बेटी से काम करवा लेना। हम कब ये, और हम, मैं शायद, हलीमा शायद, आप, हम शायद, हम तीनों ही लेक्चर दे रहे हो और शायद हमारे घर में ही ये चीज चल रही हो। तो ये इसको बदलने के लिए तो किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, इसकी बदलने किसी सोशल एक्टिविस्ट की जरूरत नहीं है, इसको तो जमीर को जागने की जरूरत है। ये इस पे क्या? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मेरे आप जमीर जागने की जरूरत है, और उसी में यही है कि जैसे कॉलर ने एक बात मेंशन की कि जो ये शहरों में पढ़ लिखे लोग अगर ऐसे कर रहे हैं बच्चों के साथ, लोगों की कम से कम इन बातों से तवज्जो इस चीज़ पे आए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो अगर हमारे खिलाफ़ क्या कार्रवाई, उस कार्रवाई हो सकती है। अगर पहली बात तो हम एम्प्लॉय कर रहे हैं बच्चे को, वो गलत है। दूसरी बात, अगर ज़्यादती कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है, ज़्यादा बड़ा उसके खिलाफ एक कार्रवाई हो सकती है आगे, ठीक है जी। सेकेंड, क्योंकि वो कहते हैं ना हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अबंडेंट, मतलब यहाँ पे ज्यादा मकदार में ही लेबर ही है, जिसको आप कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई बाहर से आती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी, वो क्यों आती है कि जी यहाँ लेबर तो बड़ी मौजूद है जिसको हम आगे इस्तेमाल करें जिस तरह करना है। यस, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो कंप्लाई करती हैं कुछ रूल्स के साथ, ऐसे नहीं कि वो बच्चों को वहाँ पर एम्प्लॉय कर लें, लेकिन हमारी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, हमारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन पर ये एम्बार्गोज या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि ये जो कुछ साल पहले उनके बारे में ये बात दुनिया को पता लग गई कि यार ये तो यहाँ जैसे कारपेट वाली इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रीज हैं कि ये बच्चों को एम्प्लॉय करें, इनसे काम करवा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो आपने बात की, इसमें ये सोशल प्रॉब्लम है, ये सोशल प्रॉब्लम है एक, जो ये चाइल्ड लेबर है, इसमें यही बात है कि लोगों को बार बार लोगों को ये प्रोग्राम्स के तसलसल से, लोगों को कन्वेंशनस के थ्रू, लोगों को कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, लोगों को मैं कहता हूँ डर भी बिठाएं उनमें, जो ये सज़ा होती है, जिन लोगों को बताएं, लोगों को मीडिया बताएं कि जी क्या कार्रवाई हुई है इन लोगों के खिलाफ, कि लोग डरें और लोग इस चीज़ को जिस तरह एक्सप्लॉयट करते हैं पाकिस्तान में, लोग ना करें। अच्छा उमर, आपने वो जो यंग कपल को सज़ा हुई थी, मैं चाहूँगी आप वो भी बताएं ताकि लोगों को पता लगे और उनके अंदर थोड़ा डर बैठे कि अगर हम ये करेंगे हमारे साथ ये होगा। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, शाहमीर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं शाहमीर जी? मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा एड्रेस गलत लिखा है, डीआई खान से नहीं, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम कह देते हैं उनको जी। हाँ अच्छा, ये अब आप सारे दोस्त जो बैठे हुए हैं एक अच्छे टॉपिक पे बात करें। अभी हमारे एक दोस्त बात कर रहे थे कि ये जो है ना एक सोशल जो है ना इश्यू है, ये मैं कहूँगा ये मॉरल इश्यूज है ना, खासतौर पे जब हम बच्चों के तशद्दुद करते हैं या उनसे काम करवाते हैं। देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हमें से छोटों पे रहम नहीं करता वो हमें से नहीं है। अभी रिसेंटली हमने एक सर्वे किया था सोशल फैक्टर विच अफेक्ट अर्ली चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट पे। आपको हैरानगी होगी कि हमारा पाकिस्तान इतना जरफेज है मेंटली, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और खास तौर पे वो तबका जो बिल्कुल भी जो है ना हैंड टू माउथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारा जो एलीट क्लास तबका है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि हमने एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा लिया जिसके पास शूज नहीं थे, कपड़े उसके फटे हुए थे, जो एक होटल पे काम करता था। और एक डीपीएस का हमने बच्चा दिया, दोनों को साथ बिठा के हमने कुछ आसान से मॉरल क्वेश्चनिंग की उनसे। आपको हैरानगी होगी कि उस जो छोटा बच्चा था जिसकी कमीज फटी हुई थी, जो चाय के कप हाथ में लेके पी रहा था, उसे डर भी था अपने मालिक का कि अगर मुझे देर हो गई तो वो मुझे मारेगा। मैंने उससे पूछा आप चांद पे जाके क्या करेंगे? वो जो एलीट क्लास का बच्चा था, डीपीएस में पढ़ता था, सूटेड बूटेड, उसने कहा कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और वो जो फटे कपड़ों के साथ कप लेके खड़ा हुआ था, उसने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और फिर अपने मामा पापा को वहां बुलवाऊंगा। क्या बात है, जबरदस्त।
यहाँ पे लॉज है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सही है, हम जैसे लोग आप जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे अभी भाई बता रहे थे कि हमें कंप्लेंट करनी चाहिए, सेमिनार करवानी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। फिनेंशियली हम इस तबके को जितना सपोर्ट कर ले, हम इस क्राइसिस से नहीं निकल सकते। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ठीक कह रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो है ना प्रोजेक्ट शुरू किया है, पे फॉर्म पे जो है ना इनको वो पेमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कई आपको बच्चे दिखा सकता हूँ जो स्कूलों में एनरोल्ड है लेकिन वो स्कूल नहीं जाते। उनको पेमेंट मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम इखलाकी तौर पे इन लोगों को बाउंड करें, इनको बताएं ये जो खास तौर पे बच्चों से काम करवाते हैं उनको, अगर वो लॉज पे इम्प्लीमेंट हम नहीं करवा सकते तो हम जैसे जो लोग हैं जो सोशली काम करते हैं उनको चाहिए कि वो उनको जाके अवेयर करें, उनको अवेयर करें। हाँ, इससे काफी चीजें काफी हद तक ठीक हो सकती है, पर यकीनन एक परमानेंट सलूशन तो आपने ठीक कहा शामीर के, परमानेंट सलूशन तो एक उनको रोजगार दिया जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक कॉन्सेप्ट हलीमा शागिर्दी का, वो मुझे आई रियली अंडरस्टैंड दैट शागिर्दी, हम उसके बारे में बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शागिर्दगी कितनी इसमें हेल्प कर सकती है, उस हवाले से बात करते हैं। वो कानून जो ताकतवर के गुलाम के तौर पर काम करे उसकी राह में हमेशा रुकावट बनकर रहूंगा मैं। देखने में तो वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता, लेकिन उसके ऊपर 16 कत्ल का इल्जाम है। तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो और ये लट गजबधारी है। मना ले चार दिन की खुशी, उसके ऐसे पर काटूंगे कि जिंदगी भर याद रखे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमने ब्रेक से जाने से पहले हलीमा जो बात की थी शागिर्दी की, इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ कि जिस गांव से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे शागिर्दी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से लिया जाता है, क्योंकि गांव के जो देखिए वहाँ पे मैं शायद उसको सही तरह बयान ना कर पाऊँ, तबकात होते हैं तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनका फिर बच्चा लिया जाता है और वो मेक श्योर करते हैं कि गांव का बच्चा है तो उसका ख्याल किया जाए, ओनर सिखा दिया जाए, साथ चंद पैसे दे देती है जाते तक उसका घर भी चलता रहे, वो सर्कल भी चलता रहे। क्या ये जो लॉ है ये इसको कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है मेंटोरशिप को कि सरबराही कर ली जाए, अडॉप्ट कर लिया जाए, काम भी साथ चलो हो गया, उसका वो भी चल गया, सर्कल भी चल गया, इस हवाले से क्या कहेंगे उमर? अगर आप देखें इसमें ऐसे है कि जो शागिर्दी का कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ परमिट करता है कि एक बच्चा अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 11-12 साल की उम्र के बाद भी एक अपने एक सीनियर के साथ या उसके वालदैन का, अगर वालिद साहब एक दोस्त है वो अगर एक कोई काम करते हैं वो बच्चे को लगा दें उसके साथ कि यार तुम दिन में 3 घंटे तुम इन साहब के साथ लगाओ, इनसे काम सीखो जिस तरह जो भी करते हैं, उसके बाद फिर तुम जब एक एज आएगी उस पर अपने काम पे लग जाना। तो शागिर्दी वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन शागिर्दी वाला कॉन्सेप्ट वही जहाँ पे वी हैड हमने जहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है इसकी कि ये फुल टाइम नहीं हो सकता, और शागिर्दी अगर आप बोलें कि जी वो एक कोयले की कान में जाके शागिर्दी करे वहाँ नहीं वो कर सकता, लेकिन अब एक मोटर मैकेनिक भी है, अब वो भी अंडर हैजर्डस कंडीशंस और वो भी अंडर उसके लिए वो अच्छी कंडीशंस नहीं है काम करने के लिए, लेकिन वही बात है कि अगर एक वालिद हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक अपने मुल्क को उस एक मद्देनज़र रखना है इस पूरे सिनारियो में
तो भेज दे घंटा दो घंटे तो बच्चे को सीखने के लिए काम। देखा है उमर, वहाँ पर वुड स्किल्स जो है वो सीखे जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट स्किल्स सीखे जाते हैं। और आपको मैं बात बताऊं, जो इमिग्रेशन भी है ये मुझे इतनी अच्छी लगती है इन डेवलप्ड कंट्रीज की, कि इमिग्रेशन भी आपकी स्किल पर होती है। हाँ। अगर आपकी पढ़ाई नहीं है और आपको लकड़ी का काम आता है तो यू आर गुड टू गो टू दैट कंट्री। अब तो बहुत सारे ऐसे पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको स्किल बेस्ड जॉब्स भी देते हैं अगर आपके पास ना हो। अच्छा, दूसरी चीज उमर ये कि हम जो बात कर रहे हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे कुछ बच्चों की, कुछ खानदानों की मजबूरी है कि उनके बच्चे काम करें। हम काम को कतन बुरा नहीं कह रहे, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पेपर बॉय की जॉब बच्चे करते हैं और उनके अंदर एक एबिलिटी पैदा होती है कि हमने कैसे अपने आप को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट आता है, पैसे मैनेजमेंट आते हैं, मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी आती है। इवन ये कि बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब भी उनकी बेटियां जो हैं वो एक फास्ट फूड की चेन पे जॉब क्या करती थी पार्ट टाइम। तो ये एक बुरी चीज नहीं है और इससे पैसों का भी कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका बाप कितना बड़ा इंसान है, आपकी अपनी एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उसको गलत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एक अच्छी चीज मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल अगर गलत है तो वो गलत है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट के जो आपका बच्चा है सिर्फ वो बच्चा है, किसी दूसरे का बच्चा तो बच्चा है नहीं, ये चीज आप कह रहे हैं कि हम सेमिनार्स करें, हम अवेयरनेस पैदा करें थ्रू मीडिया कैंपेन्स, ये चीज कैसे अवेयरनेस पैदा की जा सकती है इसके हवाले? इसकी अवेयरनेस यही है बिकॉज हमारी आवाम को अभी भी बड़ी एजुकेशन और बड़ी अवेयरनेस इस तरह ज़रूरत है कि हम थोड़े, आप कहें ना थोड़े थोड़े ज़ालिम मिजाज उसको मैं यही एक थोड़ा ज़रा क्रूड सख्त लफ्ज़ है ये, लेकिन ये कि हम दूसरे को देख के रहम दिली नहीं है हमारे में ज़्यादा। तो वही बात जो आपने की कि अपने बच्चे के लिए तो सारा रहम देना है और सारा कंफर्ट देना है, सारा सुकून देना है उसको, लेकिन दूसरे के भी बारे में भी आपने इतना फील करना है, इतना महसूस करना है कि यार अगर ये एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है या ये एक मुश्किल जगह पर रह रहा है या एक मुश्किल तरीके से सो रहा है, काम कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा सुकून दो। अगर बच्चे को घर पर रखा भी है डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर, तो उसको साफ कमरा दे दो, उसको नए कपड़े आप कभी कभार ले दो, वही तो खाने को दे जो खाने आप को दे दो, उसको स्कूल भेज दो सुबह। देखिए ये चीजें हो सकती हैं, और उसको सुबह अगर स्कूल भेज दो कि वो 3-4 घंटे सुबह जाए, जब आपके बच्चे निकल रहे हैं वापस आ जाए, उसके बाद वो काम करे उसके बाद। लेकिन हमारे लोग फिर ये आ जाता है जी माइंड सेट में कि बच्चा वो ख़राब हो जाएगा कि जी हम इधर इसको भेज रहे हैं स्कूल तो उसके बाद तो ये 1-2 साल काम करेगा फिर कहीं आगे निकल जाएगा, तो ये थोड़ी मेंटालिटी का मसला है। फिर घर का काम कौन करेगा जब स्कूल होगा? दूसरा एक पॉइंट देखें इसमें बड़ा ज़रूरी है, हमें नोट करना कि पहले मैंने कहा था आपसे कि कौन कंप्लेन करेगा कि जी केस कौन परसू करेगा। एक तो होता है ना, चलो किसी ने कंप्लेन कर दी कि कोई जुल्म कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो कोई आ गया नेबर आ गया जैसे वो जज साहब वाले केस में था। दूसरी बात ये, आप एक हमारा नेशनल डेटाबेस भी है, ठीक है, आप देखें जी अब ये जो हमारा सारा ये देहातों का मेनली मसला है, लेकिन शहरों में अब तो अब आगे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है क्योंकि आप समझ लें कि फैमिली प्लानिंग और थोड़ी ये कंट्रोल कर रहे हैं लोग इस पूरे पॉइंट को। आप उनका डेटाबेस लें कि जिन माँ बाप के साथ जो बच्चे नहीं रह रहे, स्कूल नहीं जा रहे, उनसे पूछें वो बच्चे किधर हैं, उनको कहाँ भेजा हुआ है, कहाँ काम कर रहे हैं वो, तो ऐसा भी। मगर इसमें सारा हमारा फिर जो इंस्टीट्यूट है, हमारे अदारे हैं जो सरकार के, वो फिर उनके जो मैं आपको कहा कि एक तो लेबर ये ऑफिसर्स होते हैं जो जाके देखते हैं, फिर आप एक और टीम असाइन करें, अपनी टास्क फोर्स बनाएं कि वो जाए उन वालदेन से पूछे कि आपके अगर 6 बच्चे हैं, 2 अभी घर पे हैं उनकी, जो बाकी हैं 10 साल के 12 साल के बच्चे किधर हैं। और हमने एक और चीज डिस्कस नहीं की इसमें, वो ये बेगर माफिया जो बेकारियों वाला सारा। मैं अगला सवाल आपसे यही करने लगा था कि सबसे पहले बहुत तो बड़ा सीरियस ये जो बेगर माफिया, ये तो चाइल्ड लेबर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। और बड़े मजे की बात है, माशाल्लाह मैं पढ़ा लिखा, आप पढ़े लिखे, हम शीशा खोलते और पैसे ऐसे करके थमा देते, हम ये नहीं सोचते कि किस मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारा अपना मुल्क है और हम उसी की जो नस्ल है जिसने मुल्क चलाना है, हम उसको 10 रुपए देते कि बेटा ये रोजगार सबसे बेहतरीन है, ये करो। और फिर अक्सर आपको बड़े बुजुर्ग कहते हैं यार वो खाते भी तो इधर से ही है, वो खाते यहाँ से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 10 रुपए का 9 रुपए जाता है उसके पास बिल्कुल, और 1 रुपया उसके पास जाता है। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है, और उसमें तो आप प्रमोट कर रहे हैं उनको कि जी आप बेगर माफी जो। अच्छा अब मैं आपको एक और इसमें थोड़ा हमारा किस्सा है हमारे कोर्स का, हम यहाँ पे एक कॉलर ले लेते हैं फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी एहसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप माशरे के बड़े अहम टॉपिक जो है उनको एड्रेस करते हैं, लाते हैं और लोगों को आगाही होती है, और उसके नतीजे में लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं
बुजुर्ग जो रिटायर नजर आते हैं वो देख रहे होते हैं, घरेलू खवातीन अब सुबह उठ के देख रही होती हैं और वो उससे बहुत कुछ आगाही हासिल करते हैं और उनको एकदम ख्याल आता है कि इस पे काम किया जाए। इसी तरह मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे जो हैं उनसे चाइल्ड लेबर के हवाले से बड़ा दिल खून के आंसू होता है देख के कि ये बच्चे कभी बसों में बेचारे वो चीजें बेच रहे हैं, बिस्किट टॉफियां बेच रहे हैं, कभी वो टायर साफ कर रहे हैं। तो ये जरूरत ही समर की है कि देखें, एक तो मास्टर के तौर पे हम लोगों में आगाही हो। मेरी वालदा जो हमारे घर में औरतें काम करने वाली थी उनके बच्चों का पूछती रहती थी कि किसी चीज़ की जरूरत है उनको तालीम जरूर दिलवाओ, उन्होंने एडमिशन भी दिलवाया। एक तो हम है, दूसरे मैं बड़े अदर से करूंगा कि हमारे यहाँ इनरोलमेंट रेट की बात की जाती है, माशाल्लाह बहुत इस वक्त इनरोलमेंट बढ़ भी गया है, लोगों में आगाही आई है और लिटरेसी और एजुकेशन और खानदगी के हवाले से सोशल मीडिया ने भी अहम रोल किया है। लेकिन पॉलिसी वजह की जाए कि जहाँ कहीं बच्चे नजर आए 5 से 12 साल के और वो चाइल्ड लेबर में हों, वो सरकारी स्कूल में तो वैसे भी तालीम सस्ती और मुफ्त है, तो उनको वहाँ पे इनरोल किया जाए, एडमिशन दिया जाए, किताबें तो मिल ही रही हैं। तो और अब घरेलू लोग भी जो खवातीन अपने घर में देखती हैं काम करने आ रहे हैं लोग, उनके बच्चे कैसे हैं, कारोबारी हजरात भी सर में ताबुन कर सकते हैं, तो इससे बहुत नफा होगा और इंशाल्लाह ताला उल अजीज ये बच्चे मुल्क व मिल्लत का अपने खानदान का सरमाया साबित होंगे, क्योंकि तालीम से अच्छी मुलाजमत मिलती है उससे माली आसूदगी आती है जिसके नतीजे में अखलाकियात और रवैये अच्छे हो जाते हैं। तो एक बच्चा अगर तालीम याफ्ता होता है तो वो अपने लिए नहीं है, वो अपनी पूरी फैमिली के लिए, वालदेन के लिए और मुल्क व मिल्लत के लिए मुफीद और कारामद साबित होगा और इंशाल्लाह जीडीपी को बढ़ाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहता हूँ हलीमा हम लोग वो लाइन ना ड्रॉ करें। मैं अक्सर शोज देखता था वहाँ पे, वो कहते हैं कि जिनके लिए तो कहना बड़ा आसान होता है कि ना कराए ना कराए, पर हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बारे में बात की है कि उसको ऑल्टरनेट करके बेहतर कैसे किया जा सकता है। आज अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं हलीमा, हुमायूं, उमर सबके समेत, आज अगर आप टेलीविजन देख रहे हो और आपके घर में हम यकीनन डोमेस्टिक हेल्प होती है, खुदारा अगर आपके घर में उसकी माँ आ रही है और उसका बच्चा नहीं आ रहा तो आप उससे पूछें कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है, और अगर आप किसी किस्म की भी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी किस्म की भी हेल्प कर सकते हैं उसके फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, इससे बेहतर सदका जारिया कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर आपकी जिंदगी की अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती अगर आप उसके फ्यूचर में थोड़ा हेल्प कर देंगे और वो अपनी जिंदगी चेंज करेगा, ना कि सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे खानदान की चेंज कर देगा। बिल्कुल, हमेशा आपको याद रखेंगे कि आपने किस तरह से हेल्प की। उमर आप वहीं से कंटिन्यू करें जहां आप आते जी। मैं बात करती ये बेगर माफ़ी और किस तरह ये आगे चलते हैं सारा, तो हमारे कोर्ट्स के वाक़ है कि हम अपने सेशन कोर्ट में थे तो वहाँ पे ये कुछ क्रैकडाउन हुआ बेगर से ख़िलाफ़ और सारा मामला था। तो अब एक देखें इशू ये होता है कि जो ही बच्चे होते हैं उनकी शख्सी ज़मानत थाने ले जा के दे देते हैं कि यार इनको हम कैसे अब लंबे प्रोसेस गुजारें, इट देर ऑल्सो अ बर्डन ऑन द स्टेट अगर उनको वो जेलों में आगे डालते हैं। और खैर उनको फिर भी वो कोर्ट्स की बेल की हद तक ले आए कोर्ट्स में, हमने देखा है ग्रुप ऑफ बेगर्स को पुलिस लेकर आ रही थी अपने लोकल थाने की थे। ठीक है, अब आप इंटरेस्टिंगली जो बात हमने वहाँ पे देखी कि जो लोग उनकी मचल के उनकी जमानतों की गारंटी देने आए हुए थे उन लोगों के कपड़े, उन लोगों का मतलब वो देख के पता लग रहा था वो सेठ लोग नहीं होते जी, कि ये जो इनके बिग बॉस हैं, जो ये बेगर माफिया के बिग बॉय जो बैठे होते हैं, ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। तो जो इनके आप समझ लें जो बंदे जिनके नीचे ये बैगर्स ऑपरेट करते हैं, जो आपने बात की ना वो 10 के 9 रुपए ऊपर जाते हैं, और जब वो एक्यूमुलेट वो जब आप समझ लें जब वो इकट्ठे करते हैं दिन के एंड में, तो ये महाना कितनी कमाई है उनकी और किस लेवल पे वो चल रहे होते हैं, और इन बेचारों को उन्हें किस तरह आगे स्ट्रीट्स इशारों और रोडों पर फेंका होता है, कुछ को माजूर किया होता है, कुछ को बेचारे, और कुछ तो बच्चे भी इसलिए पैदा किए जाते हैं कि उनकी माँ उनको पकड़ के लोगों से पैसे मांगे। ऐड भी कर लो ताकि लोगों को पता चले, आपको पता है सिग्नल्स पे एक ही फकीर आपको हर बार नजर आएगा, आपको दूसरा वो टेरिटरी होती है, दूसरा फकीर को वो जगह पे नहीं आने देते, आने नहीं देते। पर बहुत बहुत अच्छा लगा उमर आज आपसे बात करके, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी नॉलेज दी। उम्मीद यही है इस मुल्क की जो नस्ल है, इस मुल्क के जो बच्चे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और अल्लाह ताला हमें इस चीज से, इस बिहेवियर से हम डाइवर्ट होकर एक अच्छे और एक अच्छे नेशन वाले बिहेवियर में आए। हलीमा क्यों, मेरा ख्याल है बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पाकिस्तान को तरक्की दे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम लोग ये तो कहते हैं कि जब किसी को चोरी करता देखो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर यहाँ पे फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि उसके हालात देखो, जिसने चोरी की है उसके हालात देखो, अगर उसके हालात उसे मजबूर करते हैं चोरी करने पे तो हाकिम वक्त के हाथ काट दो।
तो इस बारे में भी थोड़ा सा सोचें, जब आपके घर से कोई इंसान कोई चीज चुरा के लेके जाता है ना, तो इसका मतलब है कि आपके घर में चीजों की इतनी ज्यादा तादाद मौजूद है कि उसे ये लगता है कि शायद अगर मैंने ये 6 बोतलें जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं इनमें से अगर एक उठा ली या मैंने कुछ खाने पीने की एक चीज गायब कर ली तो इनके पास इतना है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो इम्बैलेंस आपके घर में मौजूद है, इसलिए कोई भी इंसान वहां से कोई चीज उठा ले। हलीमा ने जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन अगर इसमें आप मैसेज देख लें, अगर आप सुन लें, तो मेरे ख्याल में मुल्क बदल जाएगा। अगर आप सिर्फ ये देख लें कि आपके पास इतना कुछ, मैंने घर से मिसाल देके मिसाल दी कि अगर आप 6 चीजों में से एक चीज खुद से उनको दे देंगे कि आप ये ले लें, आप भी ये खा लें, तो उनको शायद वो उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उनका दिल जब खराब होगा ना आपकी इतनी ज्यादा चीजें देख के, वो होगा ही नहीं, क्योंकि उनको होगा कि इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं ये हिस्सा हमेशा रखते हैं। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस हवाले से थोड़ी और बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। चंद रोज की है जिंदगानी, फिर इतना हंगामा और फसाद क्यों? चलिए फिर तैयारी कर रही है, जल्द मुलाकात होगी। रोमियो और मैं अब हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। आइंदा मैं इस घर में रोमी का नाम तक सुनना नहीं चाहता। उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसका रिश्तेदार कोई नहीं। ना आप मुझे छोड़ कर जाते, ना इस जिंदगी में मैं अकेला होता, ना मुझे सब लावारिस कहते। पूरी जिंदगी साथ निभाने के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है। मुझे नहीं लगता तुम में हिम्मत है। अपने लिए कोई वाली वारिस वाला, माँ बाप वाला अच्छा सा लड़का ढूंढ लूं और शादी कर लूं। पर अगर रोमी मेरा नहीं था तो आपने हमें मिलवाया क्यों? महबूबा से बीवी बनते ही ना सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है। किसने कहा? मैंने कहा है। महबूबा हो या बीवी, मोहब्बत का सिर्फ रंग बदलता है, असल नहीं। मेरी 3 बहनें और तीनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं चाहती हूँ तीनों की शादी और तीनों बहुत खुश। अच्छा, तो तुमने हमारी शादी करवाने का सोच लिया है? और अपनी कोई फिक्र नहीं, हम करवाएंगे तुम्हारी शादी। मेरे से कौन करेगा शादी? कोई नहीं करेगा, मैं तो तोतली हूँ। इस दुनिया में ना हर किसी के लिए कोई ना कोई बना, एक दिन तुम्हारा जीवन साथी भी तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन एक मसला है। वो क्या? अगर उसका नाम मेरे आया तो? चंद रोज की है जिंदगानी, फिर इतना हंगामा और फसाद क्यों? क्या पता यादें क्या होती है। ध्यान किया करो बहू, पहली बार मैंने उंगली उसी मकान में चलाई थी।
बहुत शौक था मुझे उनका स्कूटर चलाने का। बहू, घर से अकेले बाहर मत निकला करो, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मिले हैं ये पल, ना मिलेंगे ये कल, आज जी लो इन्हें, ये समा फिर ना आएगा। वक्त ये इसकी जगह यही है, गुजर जाएगा। मकान तो सिर्फ दीवारें हैं, घर की यादें तो रिश्तों से होती हैं। इन्हीं रिश्तों की ऐसी ही खट्टी मीठी यादों को बुनते बनता जा रहा है फैसल टाउन। ये समा फिर न आएगा। चलिए फिर तैयारी कर रही है, जल्द मुलाकात होगी। रोमियो और मैं अब हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। आइंदा मैं इस घर में रोमी का नाम तक सुनना नहीं चाहता। उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसका रिश्तेदार कोई नहीं। ना आप मुझे छोड़ कर जाते, ना इस जिंदगी में मैं अकेला होता, ना मुझे सब लावारिस कहते। पूरी जिंदगी साथ निभाने के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है। मुझे नहीं लगता तुम में हिम्मत है। अपने लिए कोई वाली वारिस वाला, माँ बाप वाला अच्छा सा लड़का ढूंढ और शादी कर लूं। पर अगर रोमी मेरा नहीं था तो आपने हमें मिलवाया क्यों? महबूबा से बीवी बनते ही ना सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है। किसने कहा? मैंने कहा है। महबूबा हो या बीवी, मोहब्बत का सिर्फ रंग बदलता है, असल नहीं। मेरी तीन बहनें हैं और तीनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं चाहती हूँ तीनों की शादी और तीनों बहुत खुश। अच्छा, तो तुमने हमारी शादी करवाने का सोच लिया है और अपनी कोई फिक्र नहीं? हम करवाएंगे तुम्हारी शादी। मेरे से कौन करेगा शादी? कोई नहीं करेगा, मैं तो तोतली हूँ। इस दुनिया में ना हर किसी के लिए कोई ना कोई बना, एक दिन तुम्हारा जीवन साथी भी तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन एक मसला है। वो क्या? अगर उसका नाम मेरे आया तो? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो मुझे कहते हैं हुमायूं से वासी, मेरे साथ हलीमा जुल्फ़िकार, वही वाली हलीमा जुल्फ़िकार जो है मौजूद है। और क्योंकि हमारे साथ अब हम बात करें चाइल्ड लेबर के हवाले से, बड़ी संजीदा गुफ्तगु हो रही थी, लेकिन यकीनन मुझे खुशी इस बात की है कि हमने कोई एक कॉन्क्रीट सी कॉन्वर्सेशन की जिसका एक रिजल्ट भी निकला। वो शागिर्द के हवाले से हमने बात की और बिहेवियर चेंजेस की बात की, किस तरह हम लोग अपने रवैयों में तब्दीली लाकर अपनी इर्द गिर्द के माहौल में जो है बेहतरी ला सकते हैं। इस हवाले से भी हमने बात की कि हम किसी के काम करने के खिलाफ नहीं है कि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, जरूरत भी है, शायद बहुत सारे फैमिलीज की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ की चीजों को करना चाहिए और जिनके घर वो काम कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल जरूर। और हलीमा ने जो आखिर में बात की थी, अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते, यकीन माने सारा मॉडल चेंज हो सकता है, सारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन सोचना भी है उस पर। जनाब, इसी हवाले से बात करने के लिए पहले मैं उन दोनों के नाम लूंगा ताकि मैं साथ साथ उनके बारे में जब बात करूं तो आप देख सके वो है कौन। हमारे साथ मिस रिजवाना अख्तर मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, हमारे दाएं जाने बैठी हैं और ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट भी हैं, साहिल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं, जो कि 1996 से चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं। दूसरी जानब जो कि बाएं जाने बैठे हैं हमारे, वो हैं हमीदुल्ला मंदोखेल साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और ह्यूमन राइट्स चाइल्ड के हवाले से लाहौर में काम भी कर चुके हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह आप लोगों की अच्छी हुई, आज हमारा यही सवाल है सबसे, क्योंकि आज हमारी बड़ी मुश्किल से सुबह हुई ना, तो हमने कहा आपसे पूछे। रिजवाना साहिबा, आपके साथ लेडीज फर्स्ट, तो शुरुआत आपसे करते हैं। पहला सवाल यही है कि वॉयलेंस के बारे में, क्योंकि जब हमने शागिर्दी के हवाले से बात की कि चले किसी मेंटोरशिप के साथ हो जाए तो वो जरा कुछ अंडरस्टैंडेबल है, बात समझ आती है कि चलो उसमें चाइल्ड लेबर इतना नहीं लगता, क्योंकि साथ सीख भी रहा है, साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन उसी दौरान क्योंकि मेंटोरशिप में वन टू वन होता है, उसमें हरासमेंट के बहुत चांसेस होते हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। चाइल्ड लेबर में सबसे पहला जो इशू है वो चाइल्ड अब्यूज का है, वो क्योंकि हमारा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी वजूहात है, तो उस हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं और यकीन इसमें लॉ क्या है, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी लॉ उसे सपोर्ट कैसे करता है। थैंक यू सो मच। एक तो ये कि आपने हमें बुलाया और टाइम दिया। दरअसल चाइल्ड लेबर जो है, जाहिर है हम सबको बहुत तकलीफ होती है जब हम बच्चों को रोड्स पे देखते हैं काम करते हुए, या जो पिकिंग कर रहे हैं आपका हमारा गार्बेज, बेचारे बच्चे जो हमारे शहरों को साफ कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि हम उनको सॉफ्ट जो काम कह लें, छोटे मोटे कामों में रखा हुआ है, बल्कि हम उनको ऐसी लेबर में भी डाला हुआ है जो कि हैजर्डस है, जो कि मना है। बच्चे बेचारे माइनिंग में भी हैं, बच्चे जो हैं वो डाइंग कपड़ों के उसमें भी हैं, अगर आप कसूर में चले जाएं या बड़े जितने हमारे बिग सिटीज़ हैं जो हम जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है काम में, सियालकोट में देखें और इन जो बड़े सिटीज़ हैं। और इस हवाले से मैं आपको ये बताऊँगी कि हम साहिल जो है हम 1996 से काम कर रहे हैं और हम एक ये रिपोर्ट निकालते हैं क्रूअल नंबर्स के नाम से ईयरली। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये एक हमने शुरू तो इसको किया था कि हम सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टेड केसेस को हम इसके अंदर कंपाइल करते थे, यानी ये हमने हम कहीं से नहीं लेते, हम ये सारे का सारा डेटा जो है कलेक्ट करते हैं, वो हम न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं। अच्छा, हम डेली तकरीबन 80-90 न्यूज़पेपर डेली मॉनिटर करते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। हमारे पांच ऑफिसेज हैं और हर ऑफिस के 1996 से चल रहा है। इसके अंदर अब जो हमने मजीद इसको फिर हम ग्रेजुअली इसका जो स्कोप था उसको हम इंक्रीज करते गए, बढ़ाते गए। अब इसके अंदर आपको केसेस मिलेंगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, अबडक्शन के, मिसिंग चिल्ड्रन के, और उसके अर्ली मैरिजेस के, ठीक है। और इस साल से हमने साहिबा इसमें ये भी है कितना चाइल्ड लेबर है पाकिस्तान में, क्या उसकी भी? नहीं, चाइल्ड लेबर की फिगर्स नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको मैं दो तीन चीज़ें इसमें बताऊं, क्योंकि हम जो स्पेसिफिकली हम काम करते हैं वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। हमारी जो सर्विसेज हैं खासतौर पे लीगल एड और काउंसलिंग, वो उन बच्चों के लिए हैं जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है। 2022 में कितने केसेस रिपोर्ट हुए? 2022 में 4000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, ठीक है, जिसमें से और ये खाली रिपोर्ट हुए जो ये रिपोर्ट हुए हैं, ये सिर्फ
न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टेड केसेस हैं, इसमें कोई केस ऐसा नहीं है। चंद एक केस होते हैं जो डायरेक्टली हम तक आते हैं या किसी एनजीओ ने हमें रिपोर्ट और कुछ तो ऐसे केसेस भी है ना जो कि थाने तक जाते हैं, थाने एफआईआर नहीं होती और वहीं से मुड़ जाते हैं। थाने तक जाते नहीं, एफआईआर नहीं होती, मुड़ जाते हैं, थाने में रिपोर्ट हो जाते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइजेज हो जाते हैं, मतलब लॉट्स ऑफ रीजंस। अगर ये 4000 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, हम इन 4000 केसेस को एक ऑफर लेटर भेजते हैं कि जी अगर आपको थ्रू पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये रिपोर्टेड हैं तो थाने में भी होते हैं, तो हम हर थाने से उनके घर का एड्रेस भी लेते हैं और फिर उनको दोनों तरफ लेटर भेजते हैं, फैमिली को भी और पुलिस स्टेशन को भी। ठीक है, अगर आपको फ्री लीगल एड चाहिए, फ्री काउंसलिंग चाहिए फॉर द फैमिली, फॉर द विक्टिम, दोनों के लिए, तो हम दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं। आप यकीन करें उनमें से हमें मुश्किल से 200-250 जो केसेस हैं उन पे रिस्पॉन्स मिलता है। 4000 में से 200-250, ये मेरे ख्याल से कितनी परसेंटेज, 5% बनती होगी। हाँ, अब इसमें से फिर देखें जो केसेस हम लेते हैं और जिनको हम लीगली फॉलो करते हैं, उनमें से जो ऑलमोस्ट 60% केसेस अगेन अदालत में जाके कॉम्प्रोमाइज में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ केसेस बीच में वैसे ही फैमिली गायब हो जाती है, उसको भी आप कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, क्योंकि असल रीज़न जो है वो ये है कि जो विक्टिम है वो वीक है और जो अब्यूज़र है वो, चाहे आप शॉपकीपर है और एक बच्चा है तो भी शॉपकीपर वो हावी होगा, हावी होगा। सीधी सी बात है, ये गेम है, पावर गेम है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही ज्यादा। इसका मतलब है कि टोटल जो केसेस हैं उनमें से भी आप खुद ही सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते होंगे। मैं अगर अपने मोहतात अंदाजे के हिसाब से बताऊं तो अगर 100 केस हुआ है तो उसमें से 10% लोग वो होंगे जो वाकई ही जाके उस पर रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। उसमें से भी 5% है जिन पर एक्शन लिया जाता है और जो आगे जाते हैं, और मेरे ख्याल से उसके बाद भी जिनको सजा होती होगी ना वो कोई 1% रह जाता होगा। अमीन, थोड़ा सा आपकी तरफ आऊंगी, आपने भी चाइल्ड लेबर के हवाले से काम किया है, लाहौर की एक्टिविस्ट आप रहे हैं हमेशा से। लाहौर एक बिग सिटी है, एक ड्राइंग रूम सिटी अगर उसे पाकिस्तान का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहाँ के क्या स्टैट्स हैं, और ताकि हमें ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक ऐसा शहर जिसे हम पाकिस्तान के चंद 3-4 बड़े शहरों में शुमार करते हैं, अगर वहाँ पे ये हालात हैं तो एक फार फ्लांग एरिया में क्या क्या हालात होंगे जो हमारी नज़र से बहुत दूर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। अच्छा, मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हमें बेसिकली वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज चाइल्ड लेबर एंड व्हाट इज चाइल्ड वर्क। इसमें फ़र्क क्या है, हमारे लोग इसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते। तो चाइल्ड वर्क जो है वो ये है कि अगर मैं अपनी फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी में काम करूँ अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में, या अपना कोई प्रोजेक्ट हो, या मतलब, तो ये चाइल्ड वर्क है। और चाइल्ड लेबर ये है कि मतलब जहाँ पे मैं मॉरली, जहाँ पे मैं फिज़िकली, जहाँ पे मैं मेंटली, मतलब जहाँ पे मेरी ये हरासमेंट हो और मैं उस चीज़ को परसीव, या मेरे गोल्स वो ना हो और वो मुझे ज़बरदस्ती वो काम किया जा रहा हो। अच्छा, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, अमीर, यहाँ पे सिर्फ क्लियर कर दीजिएगा, अगर मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, मेरी मर्जी है कि मैंने पढ़ना नहीं है, मुझे शौक नहीं है, मर्जी से मैं काम कर रहा हूँ, तो वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता? चाइल्ड लेबर में आता है, लेकिन अगर आपका वो अपना फर्म हो, अपना एनजीओ हो, वो चाइल्ड वर्क है। अब चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, द एरिया वेयर आई एम हेलिंग फ्रॉम बलूचिस्तान। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को ये पता ही, ये कंसेप्ट ही नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन की, उनको ये पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एजुकेशन क्या है। वो कह रहे हैं कि बस किसी तरीके से पैसे कमाए, इजी मीन, जो तरीका, उनको ये नहीं पता होता कि चाइल्ड्स आर मेंट टू लर्न, नॉट टू अर्न। तो लाहौर में मैंने काम किया है, अब जो इसके ऊपर इंटरनेशनल एनजीओस काम कर रहे हैं, लाइक आईएलओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, और जिस तरह हमारे लॉज बने, रेगुलेशंस बने, 1923 में फर्स्ट टाइम एक ऑर्डिनेंस आता है, उसका नाम है माइंस एक्ट। वो 10 साल वो काम करता है, 10 साल के बाद उनको पता चलता है कि अच्छा, हमने इनमें बेसिक चीज़ें जो हैं वो मिस की हैं। फिर 1934 में एक एक्ट आता है, फैक्ट्री ऑर्डिनेंस, इस तरह के बार बार वो मॉडिफाई और ट्रांसफॉर्म होते आ रहे हैं। फिर 1993 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। तो 98 में फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इनके ऊपर काम, जो 99 में एक एक्ट आया था, 99 में जो एक्ट आया था, उस टाइम जो फेडरल मिनिस्टर थे वो शेख रशीद साहब थे, उसने 4-point agenda दिया था, 4-point agenda। अब 2000 में फिर मुशरफ साहब इनके ऊपर काम करते हैं, 2016 में फिर चिल्ड्रन एक्ट आ जाता है, चाइल्ड लेबर एक्ट।
अब मसला ये नहीं है कि एक्ट आते हैं या नहीं आते, अब जो लॉ मेकर्स हैं और जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, ये अगर उनके दिल में दर्द ना हो तो ये चीज़ें तब तक सही नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बिल्कुल, तब तक ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर, मतलब हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, साउथ एशियन रीजन जो है, यहाँ पे लोगों का ये मसला नहीं है कि आपके फिलोसफिकल थॉट्स क्या हैं, आपके स्कूल ऑफ माइंड क्या है, फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, आपने कौन सी डिग्री की है, आपने, उनका एक ही इशू होता है कि रात को खाने में क्या बनेगा, उनका ये इशू होता है। तो ऐसे मुल्क में या ऐसी जगह पे अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं कर पाते, आप लोगों में अवेयरनेस नहीं, ये लॉ जो लॉ इम्प्लीमेंट लॉ इसको चेंज नहीं कर सकते अगर आप दिल से ना चाहें। वो कहते हैं इशफाक अहमद साहब के जो मोहब्बत है ये उगती है, इसको उगाना पड़ता है दिल में। जब आप इसको दिल में नहीं उगाएंगे, ये मैं और सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब गोद में जो इनके बच्चे खेलते थे, एक राइट पे उनका नवासा होता था और लेफ्ट में उनके गुलाम का बेटा होता था। सबसे बड़ा रोल मॉडल हमारे लिए वही है। लेकिन अब मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो चाइल्ड लेबर, जोब से, जोब बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे आपको चाइल्ड लेबर को मतलब आप, ये तो एक अलग सी बात आ जाएगी। पाकिस्तान में चाइल्ड किसी तरीके से भी प्रोटेक्टेड नहीं, मतलब आप कसूर का स्कैंडल उठा के देखें, आप मुल्तान का स्कैंडल उठा के देखें, ये क्या हुआ कि ये अच्छा मैं बताऊं मंदुखेल, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों ने भर दी है। हम जितना भी इंसान हम किसी पे रिएक्ट करते हैं, साइकोलॉजी भी ये कहती है, रिजवाना साहिबा भी बता सकती हैं, आप भी यकीन बता सकते हैं कि वो साइकोलॉजी है इंसान के दिमाग की, जो दूसरी जगह से प्रेशर आता है ना तो आप प्रेशर किसी और पे निकालते हैं, अपने डोमेस्टिक हेल्थ, क्योंकि वीक है ना, जैसे उन्होंने कहा पावर गेम है, वीक है तो आप सारा उस पे निकालेंगे। तो इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए हमें दूसरी एक्टिविटीज में अपने आप को माइल करना पड़ेगा, हमें जिस तरह एक्सरसाइज को हमने बड़ा बार बार हमने उसको दिया, ये उसको लगती होगी बहुत आम सी बात कि फिटनेस के लिए, नहीं, ये आपके दिमाग रिलैक्सेशन की चीजें हैं जिससे आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका जो गुस्सा, आपका गर्दो गुबार साफ होता है। आपको पानी ज्यादा पीने के इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी जो आपकी बॉडी से है वो निकल जाए। इसी हवाले से यकीनन हम आज वस जो है, वस से बात करेंगे, हमारे साथ वस मौजूद है और वस में बताएंगे वस कैसे, के साथ भी एक छोटी सी, एक छोटी वस मौजूद है। और मैं आपको बताऊं, जब हलीमा बात कर रही थी तो उसके ना नैने कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी जा रहे थे, ये दोनों कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, तो दोनों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? आप भी बोले, ईशा कैसी है? I am good. How about you? We are very well. We are very well. जी हमारे साथ ये दोनों मौजूद हैं। जी बस आज क्या बताएंगे? आज हमारे साथ ईशा मौजूद हैं, तो हम यकीनन आज चाइल्ड लेबर पर बात हो रही है, तो आज चाइल्ड वर्कआउट के ऊपर भी बात कर रहे हैं। देखिए कैसे वैसे हम लोगों ने ना वो लिंक हुआ, लिंक कर लिया इसके बारे में। तो बच्चों के लिए वर्कआउट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी सी दो मिनट उस पर बात करने के बाद आपके साथ एक वर्कआउट शेयर करेंगे, वर्कआउट रूटीन शेयर करेंगे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो कहते हैं बच्चों को वर्कआउट नहीं करना, अभी वो छोटे हैं, ये उनको नहीं करने की ज़रूरत। ईशा को हम सामने की तरफ करें, ईशा वहाँ देखें सामने। और बस आप ये भी मानेंगी कि ये एग्रेशन है बच्चों में भी और बड़ों में भी, जो कि सारी ज़िंदगी अंदर रहते हैं, इसको निकालने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमें स्कूल से स्टार्ट कर देना चाहिए कि बच्चों की जहाँ पर ग्रूमिंग हो रही है वहीं उन्हें पता चल जाए कि वर्कआउट एक नेसेसिटी एक्सरसाइज, वर्कआउट का नाम ही लेते फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व करें, किसी स्पोर्ट्स में करें, जिमनास्टिक में करें, किसी भी चीज में, क्योंकि ये उनकी वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है, ना सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए बट उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। रिसर्च से ये बात प्रूवन है कि जो बच्चे ज्यादा अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं वो ज्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, क्रिएटिव थिंकर होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो उनका पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में लाजमी डालें। मैंने देखा कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं हमने जिम नहीं भेजना बच्चे को, अभी तो उसकी एज ही नहीं है। तो बाय रिसर्च भी ये बात प्रूव हो चुकी भी है
कि जब एक एज क्रॉस होती है, जैसे 8, 9, 10, 8 साल से जब बच्चा निकल आता है, तो वो थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग भी कर सकता है, बट अंडर सुपरविजन, कि आपके फॉर्म्स देख रहे हैं, पोस्चर्स देख रहे हैं, बट वो जरूरी होता नहीं है। तो हम कौन से कह रहे हैं कि वो 5-5 किलो के डंबल ही उठा लें, वो थोड़े बहुत रेजिस्टेंस, जैसे ये हमारे पास खेलें कूदें, ये सारी चीजें सारी चीजें करें, बिल्कुल वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं वेट ट्रेनिंग नहीं करना, हाइट रुक जाएगी, ये सारी मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम उन्हें नहीं बोल रहे कि आप लोग कोई पावर लिफ्टर बन जाए उस वक्त, लेकिन उनके लिए थोड़ा रेजिस्टेंस उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए वेट वेट ही होता है, अगर हम लोग स्कूल बैग भी जो बच्चों ने पहना होता है, कभी उसका वजन किसी ने देखा है? बहुत ज्यादा, तो अब आपको लग रहा है उससे वेट गिर रहा है उस बच्चे का, तो वेट बॉडी को नहीं पता कि वो, हाँ बच्चे को नहीं पता कि वो डंबल का वेट है या वो स्कूल बैग है या वो दिन में जो भी चीज उठा रहा है उसका वेट क्या है। तो वेट हल्की फुल्की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज आपके साथ एक क्विकली ईशा एक फन सर्किट शेयर करेंगे हम लोग, ठीक है? तो शुरू करते हैं। 5 एक्सरसाइजेस है हमारे पास बकेट लिस्ट में, आप एक एक्सरसाइज 30 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक है, फॉलोड बाय 10 सेकंड्स रेस्ट। ओके ईशा थोड़ा सा पीछे हो जाए, हम रोलिंग प्लैंक करते हुए क्लैप करेंगे। Roll down into a plank position, clap, 1 and 2 and go back and jump. Okay, fun workouts आपने अपने बच्चों के साथ रखने हैं ताकि वो active रहें और उनको मजा आता रहे कि हमारे साथ भी कुछ कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि टक्कर ना हो जाए। बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रखना है कि खेल कूद में टक्कर ना हो। अब हम स्क्वाट पोजिशन में आएंगे ईशा, ठीक है, आगे आ जाए और क्लैप करके दूसरी साइड पर जाएंगे, डाउन, यस, 1, 2, 3 एंड क्लैप। सब आते हैं ईशा, ये ईशा इज सो टैलेंटेड माशाल्लाह। ओके दिस इज स्क्वाट एंड हम लोगों ने साइड जंप की है। जितना ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व करेंगे वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स तो है नहीं, एक्टिविटी है, तो वर्कआउट है, तो बच्चा बोर भी हो सकता है, तो इन्वॉल्व रहें ज़्यादा से ज़्यादा। एक्ट्रेस भी नेक्स्ट नेक्स्ट ईशा हम लोग क्या करने लगे, पुशअप एंड प्लैंक वॉक, डाउन इन टू पुशअप पोजिशन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, देखिए पुशअप कितना प्यारा करेगी, डाउन इन टू पुशअप प्लैंक वॉक, मेरे से ज़्यादा फास्ट है। आप कर सकते हैं बच्चों के साथ, अगर बच्चों के लिए पुशअप करना मुश्किल है तो सिर्फ प्लैंक वॉक करें, ठीक है? देन ईशा सामने आ जाए, हम पंचेस करेंगे, ठीक है, स्क्वाट पोजिशन में, 1, 2, 3, 4 डाउन, 1, 2, 3, 4 करें मेरे साथ, करें 1, 2, 3, 4 डाउन, 1, 2, 3, 4। तो नहीं, हमने इसमें मूव नहीं करना। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, फायर फीट एंड जंप, down 5 feet, 1, 2, 3, 4 and jump, 1, 2, 3, 4 and jump. Okay, ये 5 exercises हैं, हमने करवाई हैं, अभी हमने एक एक रेप किया, हमें सांस चढ़ गया, तो आप 30 seconds ईच एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, फॉलोड बाई 10 seconds का रेस्ट, देन ऑल टुगेदर 3 rounds करें, एक अच्छा खासी एक्टिविटी हो जाएगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, आपको भी जो गुस्सा होगा और जो बच्चे को भी शैतानी सूझ रही होगी उसके लिए भी वो कूल डाउन हो जाएगा और आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तो ये एक्टिविटीज अपने घरों में जरूर करें, बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन भाई, बस बड़ी अपने अच्छी आज हमें एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और शायद आप लोगों ने देखा है कि बच्चे को देख के उसकी मासूमियत पे जो प्यार आता है, जो मोहब्बत आती है, ये अब मुझे मैं तो मेरे बेकासिर हूँ ये समझने के लिए कि वो कौन लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो इन पे जुल्म करते हैं, वो दिल कहाँ से लाते हैं, वो एहसास कहाँ से लाते हैं, वो दिमाग में वो सोच कहाँ से लाते हैं। इतने प्यारे बच्चों को देख के तो आप उसे मोहब्बत और शफकत के अलावा कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बस बहुत लव यू ईशा, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। रिजवाना साहब, यही ये 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 इसका जवाब अगर आप दोनों के पास है तो दे दें, वो क्योंकि आपने तो ऐसे केसेस देखे हैं, 250 आप कहती हैं आते हैं, क्या कभी उनसे बात हुई, ये क्या है, ये पीछे मेंटल क्या है, ये साइकोलॉजी क्या है उनके पीछे? देखिए साइकोलॉजी दरअसल वो फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में गिलगित जेल में अब्यूजर्स के साथ एक छोटी सी रिसर्च की है, अभी हमने उसको पब्लिश नहीं किया। अच्छा, अभी मतलब वो हम उसको फाइनल उसमें वो है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कभी भी अब्यूज़र्स के साथ बातचीत, हम भी अब्यूज़र को सर्विस नहीं देते, काउंसलिंग वगैरह हम नहीं दे रहे, ठीक है? तो लेकिन ज़ाहिर है लीगली जब उनके साथ होता है तब तो उनके साथ बातचीत होती है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि अब्यूज़र ये नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर है अब्यूज़र, आपको ये रिपोर्ट बताएगी मोस्टली वो लोग हैं अब्यूज़र जो बच्चे को जानते हैं, एक्वेंटिसेस, ठीक है, पड़ोसी हैं, टीचर है, रिलीजियस टीचर है, ड्राइवर है,
इवन समबडी क्लोज टू द किलर, समबडी क्लोज जो के उसको वरगला ले सकता है, जो उसको अपनी जगह पे इजी टारगेट है, इजी टारगेट है ना। मोस्टली इसमें जो प्लेसेस ऑफ अब्यूज हैं वो ज्यादातर अब्यूजर की प्लेस है या विक्टिम की प्लेस है। इसका मतलब है कि ज्यादातर अब्यूजर्स बहुत ज्यादा जानने वाले हैं। इवन फिर अगर हम जाएं तो चचा भी हैं, मामू भी हैं, दादा भी हैं, बाप भी हैं, सगा बाप भी है। तो अब आप ये देखें कि अब्यूज़ करने वाले की इतनी वो है, आप उसको कह लें कि रेंज है अब्यूज़र्स की, कि हम ये कह ही नहीं सकते कि इसमें क्या साइकोलॉजी पीछे चल रही है। अब बाप की क्या साइकोलॉजी चल रही होगी, दर्दनाक। और फिर वो कहते हैं, अब ये जो हमने 7 अब्यूज़र्स को इंटरव्यू किए हैं, वो कोई भी एक तो डिनायल में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ बैठे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने नहीं किया, या हमें माफ़ कर दें जी हमें उस वक़्त नहीं पता चला, हमें समझ नहीं आई हम क्या कर रहे हैं। आपको एक शख्स की ज़िंदगी से खेलते हुए समझ नहीं आई, आपने उसको मार दिया, मर्डर कर दिया, जैसे कसूर के सारे केसेस हैं, थोड़े से खेलने पे 4 किलोमीटर के एरिया में 10 बच्चों के साथ अब्यूज़ हुआ और वो मर्डर हो गए, और हम सब कहाँ थे हमें पता ही नहीं चला। लेकिन अब हम कह दें कि जी सब कुछ हुकूमत ने करना है, इदारों ने करना है, नहीं मुझे भी करना है, मेरी भी जिम्मेदारी। हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि उनके ऊपर ना रखें, अपना भी हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। जाना साहिबा, क्योंकि आपने भी किया, आपने भी केसेस देखे होंगे, मैं चाह रहा हूं आप ऐड करें इसी सवाल में कि वो साइकोलॉजी क्या है पीछे। वो कॉग्निटिव बिहेवियर अगर हम इस तरह से बात कर लें, वो कहते हैं कि जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो जुबान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं पाकिस्तान में जो जुवेनाइल प्रिजन है सबसे बड़ी वो साहिवाल में, अब वहाँ पे एक टर्म बहुत मशहूर है बहुत ज़्यादा, तो आई एम सॉरी कि मैं ये बात लाइव शो पे कर रहा हूँ, एक मुंडा कल्चर होता है वहाँ पे, वहाँ पे ये ट्रैफिकिंग होती है वहाँ से बच्चों की। अब जिस बंदे को जो सुपरिटेंडेंट है, जो वहाँ का जिम्मेदार बंदा है, रिस्पॉन्सिबल, अब उसको पैसे इस चीज़ के मिल रहे हैं कि इस बच्चे जुवेनाइल ने क्राइम किया है, तो ये जब इस जेल में आएगा तो वो यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये चीज़ें इनके जेनेटिक मेकअप में हम इंकल्केट करेंगे कि ये बच्चा जब जेल से बाहर निकलेगा तो ये सोसाइटी का एक जिम्मेदार शहरी होगा ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब जब बच्चा वो जब जेल में जाता है, अगर कोटलकपत जेल की मैं बात करूँ, वहाँ पर 4,900 लोग वहाँ पर हैं जो क्रिमिनल्स हैं। अगर मैं कैंप जेल की बात करूं, वहाँ पे भी इसी तरह जुवेनाइल है लाहौर में। तो अब मसला ये, वहाँ पे ये चीज़ें प्री प्लान होती हैं। आप अपना ट्विटर उठा के देखें, आप अपना वो वर्ल्ड वेब रिपोर्ट उठा के देखें, आपकी सबसे जो ये बैंड साइट्स हैं ये पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, आपके ट्विटर में ये पेज बने होते हैं इंसेस्ट के नाम से। तो ये चीज़ें हमें प्री प्लान हमारे जेनेटिक मेकअप में अब से इंकल्केट हो रही हैं। अब एक बता एक डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। अब ये मेरे पास अगर एक कप हो चाय का और मुझे पता नहीं हो कि ये चाय, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये जाहिर सी बात, ये चीज़ें हमने कहीं देखी है जो हम उसको फिर एक्सरसाइज करते हैं। अब जिस तरह मैडम ने बात की कि यहाँ पे पेरेंट्स और जो इनके प्रोहिबिटेड रिलेशंस होते हैं, तो ये बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं। 377, 376 PPC इनके ऊपर लगता है, तो अननेचुरल ऑफेंस जो होते हैं। तो अब मसला ये है, मैंने पहले भी बात की कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1973, अब देखिए हम पहले कुरान पाक पे हाथ रखते हैं और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रखते हैं कि मैं कुरान पे हाथ रख के मैं इसका वफादार रहूँगा, फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले हम मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रखते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन अब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 उठा के देखें, वो कहते हैं एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोहिबिटेड वर्क प्लेस पे। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 उठा के देखें, उसका सब क्लॉज 3 उठा के देखें, उसमें कहते हैं कि अंडर द एज ऑफ 14, फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर जब हो गया था 18th Amendment 2010, तो मैं चाहूंगा आप इसी को कंटिन्यू करें, डिटेल में करें। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इस बारे में मज़ीद डिटेल बात करेंगे। कोशिश की मैंने कि मैं तुम्हें याद ना करूं, लेकिन बार बार यासीन चेहरा मेरे सामने आ जाता है। कौन है? तेरा बाप कौन है?
मैं अपना हमसफर फरी को बनाऊंगा। Enough is enough, and this is last warning for you. मैंने पूछा कहां गए थे तुम? फरी के पास गया था। मुमकिन है कि उनकी निगाह में कोई और जच गया हो। कौन सा ऐसा जुर्म मुझसे सरजद हुआ था जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? नरासब और तमसीला की जान ले लूं अगर हमारी रिवायत को ठेस पहुंची तो। आपा, अगर तमसीला का ब्याह होगा ना तो सिर्फ शहबाज से होगा। कदम फूक फूक कर चलने वालों को ना इश्क नसीब नहीं होता। अब अगर तुम्हारी कहीं सी गुल खिला के बैठी है तो हमारी क्या खता? वेलकम बैक टू द शो। बातें जो हैं वो कुछ इस किस्म की हो रही हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम एज अ कंट्री कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। हम जितना अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं उतनी शायद हमारे अंदर हमारे माशरे में बुराई जो है वो पैदा कर दी जाती है। और कुछ केसेस इस तरह के हैं कि हम लोग आप लोगों को बता भी नहीं सकते, आप लोगों के सामने उन पर बात भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगी कि उनकी सजाओं के जिन लोगों को सजा मिली उसके बारे में हम बात करें, ताकि शायद कभी किसी के दिल में अगर ये शैतान आए भी कि मैंने ये करना है तो ये सोच के कि मुझे ये सजा मिल सकती है वो शायद रुक जाए। अल्लाह के बारगाह में तो यकीनन मिलेगी ही मिलेगी। वो तो पता नहीं उनका क्या होगा। मैं तो कहती हूँ कि नॉन मुस्लिम्स हमसे शायद पहले भागते हुए जन्नत में चले जाए, हम पीछे रह जाएंगे जो हमारी हरकतें चल रही हैं इस वक्त। शायद अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन बाकी हालात कुछ इसी किस्म के हैं। मैम, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मैं चाहती हूं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा उन सजाओं के बारे में बताएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं और जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को होते हुए देखते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर किसी के दिमाग में जो लोग कहते हैं कि जी हम पे शैतान आ गया, हमें समझ में नहीं आई, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि जब हमें सजा होगी तो वो इतनी बड़ी सजा हो सकती है। तो मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो क्या है? लाइफ इंप्रिजनमेंट है। अच्छा, हो सकती है। देखिए, और इवन अगर बच्चा मर्डर है ताहयात उम्र कैद हो जाती है। वैसे 25 साल, फिर फाइन भी हैं। अभी जैसे ये पिछले कुछ अरसे पहले सवात के 2-4 केसेस थे जिनमें वो बच्चों के साथ वो पोर्नोग्राफी के केसेस थे, वीडियोस बनाते थे सब कुछ, तो 14-14 साल कैद। डिफरेंट उन पे 3-4 किस्म के वो लगी, दफात लगी, सेक्शंस लगी, तो उसमें मुख्तलिफ, किसी में 14 साल, किसी में 7 साल। मतलब सजाएं बहुत अच्छी हैं, हमारे लॉज में कहीं कोई कमी नहीं है। असल जो मसला है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है ना। असल मसला है कि हमने अवेयरनेस ट्रैकिंग कैसे। अब मैं एक बीइंग अ पेरेंट, मुझे पता होना चाहिए कि जी मेरे बच्चे के साथ अगर अब्यूज़ होती है तो मुझे क्या एविडेंसेस रखने चाहिए। मैं जब FIR दर्ज कराने जाऊँ तो वहाँ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, मेरी बात सुनी जाए। बच्चा जब अपना वहाँ पे बच्चे को लेके जाऊँ तो बच्चे के साथ अच्छे तरीके से बातचीत हो, बच्चे को बिठा के उसके साथ बातचीत की जाए, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो, वो बताए कि मेरी गलती नहीं है, उसके साथ तो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन होता क्या है, हम विक्टिम को ही इतना वो कर देते हैं पहली स्टेज पे ही, जब वो FIR दर्ज कराने जाने से पहले ही मोहल्ले वाले, घर वाले उसके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं जी। दूसरी बात ये कि देखें, लड़कियां और लड़के, सिर्फ इतना सा फर्क है, 55% लड़कियां अब्यूज हो रही हैं तो 45% लड़के। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि थोड़ा चेकलिस्ट के बारे में बताएं कि किसी के साथ अगर कुछ इस तरह का हो रहा है तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पर जाके रिपोर्ट की जा सकती है, क्योंकि बहुत दफ़ा कुछ लोग रिपोर्ट करने जाते हैं। या मैंने कभी कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं, ड्रामों में या फिल्मों में तो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इस पर आप रिपोर्ट करने आ गए या इस तरह। देखिए, रिपोर्ट तो हैरेसमेंट पे भी है, ये नहीं है कि आपने रेप हुआ है या सॉडमी हुई है तभी आपने जी रिपोर्ट करा, आपने इंटेंट भी किया, आपने कोशिश भी की। देखिए,
हमारा लॉ सब चीज़ें मौजूद हैं, और बाहर तो ये चीज़ें सब रिपोर्ट होती हैं. वहाँ पे अगर आप अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो वो उनके जो रिपोर्टेड केसेज हैं वो 50,000 और मोर देन 50,000 क्यों रिपोर्ट होते हैं. उसमें सिर्फ रेप फ्रॉड में नहीं है, ठीक है, उसके अंदर हरेसमेंट्स के केसेज हैं. आपने किसी को देखा है, किसी को टच किया है और उसको गलत जुमला बोला है, ये सारा कुछ है. और हमारा भी लॉ इस चीज़ को कवर करता है. अच्छा, आपने लॉ की बात की, मैं चारों मंदोखील ऐड करें, लॉ क्या कहता है, कानून की जो आर्टिकल्स हैं कौन कौन सी शिकें, अगर खुदा ना खास्ता डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं खवातीन पर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि खवातीन ज़्यादा काम कर रही होती हैं घरों पर, यकीनन उनकी मजबूरी भी है, तो मुझे ये पता है वो क्या स्टैट्स है एक तो, और वो किस तरह उसको लीगली परसू कर सकती है. हो सकता है शायद आज कोई खातून ऐसी देख रही हो खुदा ना खास्ता जिसके साथ ये हो रहा हो, तो वो उसको कैसे परसू कर सकती है. असल में आर्टिकल 8-28 ये कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं, मैंने पहले भी बात की आर्टिकल 11 तक पहुंचा था मैं, कि आपको आप 25 आर्टिकल 25 ए जो है जिसको हमने 18th अमेंडमेंट में उसको अमेंड किया था, वो कहते हैं कि फ्री एजुकेशन. तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे कंक्लूड करूँगा. जो पंच लाइन है, बॉटम लाइन है, वो ये नहीं है कि हमारी लॉ क्या कहता है या हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्या होने चाहिए या लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. मैं बेसिकली इस बात को यहाँ से मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे घरेलू खातून के खवातीन के ऊपर तशद्दुद होता है, तो ये अगर आप जेंडर स्टडीज़ स्टडी कर लें तो उसमें ये इंटीमेट पार्टनर थीरी से बोलते हैं या सोशल साइकोलॉजिकल व्हील थीरी से बोलते हैं, ठीक है. ये चीज़ें हमारे अब मैं अपने घर में मैं भाई के साथ डिबेट कर रहा था, मैंने कहा आप अपने बच्चों की तरबियत आप नहीं कर रहे, तो आगे से कहने लगे मैं कर रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा साइंटिफिक अप्रोच करते हैं आप, कैसे अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, आप 9 बजे अपने जॉब पे निकल जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, इसमें आपने अपने हेल्थ को, अपनी चीज़ों को, बिज़नेस को, सारी चीज़ों को देखना होता है. रात को जब आ गए डिनर के टेबल पर बैठे, आपने अपना मोबाइल निकाला, न्यूज़ सुन लिया, तो ये पीछे जो पूरा दिन गुजरता है इसमें आपके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपने टेप दिए हुए हैं आपके, उनको ट्रांसफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो टिकटॉक देखते हैं, वो फेसबुक देखते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं, वो स्नैपचैट, वो वीचैट, टेलीग्राम, इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो डार्क सोसाइटीज़ उनको चलाती हैं, डार्क वेब उनको चलाता है. वो पीछे वो अगर टिकटॉक पे एक वीडियो रिलीज़ होती है उससे पहले उनकी वो उनको सेट किया जाता है कि हमने नए जो जनरेशन है उनको किस तरह हमने आगे लेके चला. अब मार्क जुकरबर्ग एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि दुनिया को मैंने अपने दिमाग अपने तरीके से मैंने दुनिया को आगे लेके जाना है, मैंने अपनी चीज़ें इंकल्केट करनी. अब अगर आप अपने घर का एग्जाम्पल उठा के देखें, हम अपने बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं. बात ये नहीं है कि बच्चे को हम कहें कि अब मदरसा कल्चर की अगर मैं बात करूं, हमने तो हम मुसलमान तो है, इनायतुल्लाह मशरकी साहब कहते हैं कि अब के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि मुसलमान के नाम पे इस्लाम ज़िबा हो रहा है, मुसलमान के नाम पे इस्लाम ज़िबा हो रहा है. आप देखो मदरसा कल्चर में ये रोज़ हम हरासमेंट के केसेस नहीं देखते. लॉ कितने लोगों को हमने सजाएं दी, ज़ैनब के कातिल को तो हमने सजा दे दी लेकिन उसे हालात बेहतर हुए नहीं. अब अगर आप गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप क्यों नहीं करते, ठीक है. हाँ, और वहाँ अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है, सबसे जरूरी ये है जैसे आपने बताया, मुझे ये बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कैसे कर सकती है लोगों को, वो कैसे अगर कोई देख रहा है साहिल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प कर सकती है. हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि आप हमें फौरी तौर पर, हम हर जगह हमारा वेबसाइट पे हर जगह नंबर कॉन्टेक्ट हर चीज मौजूद है, ठीक है. और जो कम्युनिटीज़ में भी हम जाते हैं तो हम अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आते हैं. हम कहते हैं जैसे ही आप देखते हैं किसी किस्म का भी कोई केस, बच्चे के साथ राइट्स का वायलेशन, हम बेशक सिर्फ CSA पे हम दे रहे हैं लीगल एड, बट हम अदरवाइज रेफरल भी करते हैं. तो बेहतर ये है कि जो भी बच्चे की चाइल्ड राइट्स वायलेशंस हैं, जो भी कहीं देख रहा है, वो हमें कॉल पर बता सकता है, हमें ईमेल कर सकता है और हमारे फेसबुक पर डाल सकता है. हमें फेसबुक से भी केसेज आते हैं, हमें कॉल्स भी आती हैं, हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन भी है और इस तरह ईमेल्स भी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी. अब हम ये हेल्प कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कहा, हम फ्री लीगल एड थ्रू आउट पाकिस्तान दे रहे हैं, ठीक है. हम काउंसलिंग फ्री काउंसलिंग दे रहे हैं, ठीक है ना. अब मेन यही दो चीज़ें हैं जो सर्विस उनको दी जा सकती है, जिनकी उसको उनको. इसके अलावा ये है कि जो अवेयरनेस रेजिंग की एक्टिविटीज़ है, मिसाल के तौर पर टीचर्स ट्रेनिंग है, हमने बेहतरीन टूल्स बनाए हुए हैं, हम बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन बताते हैं. देखिए बच्चे को मैं
24 घंटे ना टीचर साथ है, ना पेरेंट्स साथ हैं, ना कोई बड़ा बहन भाई साथ है। मैंने अपने बच्चे को अपनी प्रोटेक्शन खुद सिखानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने छोटे छोटे टूल्स बनाए हुए, एनिमेशन बनाई हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी आप लोगों की बात के, माशाल्लाह आप लोग पपेट शो से भी अवेयरनेस करते हैं, ये बहुत सारी अच्छी चीजें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज बात करके। बहुत जो मिथ्स थी, बहुत सारे ऐसे बंद डब्बे थे जिनको हमने खोलने की कोशिश की, और ताकि उन बंद डब्बों से सोल्यूशन भी निकले। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जैसे अभी बंदूखेल ने कहा कि 25A है, तो हमें सबको इस बात पे जोर देना चाहिए और हुकूमत को इसके पीछे हमें पुश करना चाहिए कि अगर वो 25A को लागू कर दें कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन, उसे जाना है स्कूल, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बना दें, तो हम अपने बच्चों को लेबर से बचा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत जरूर देंगे, आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे हम कल और नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि लोग आपके प्यार के मुस्तहिक हैं, आपके खाली पैसे के नहीं। पहले प्यार जरा बांटे, फिर पैसा इंशाल्लाह ताला हम लोग मिल बांट के सब खुद ही कमा लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।